सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए, सम ऑफ फर्स्ट पहली जो एन टर्म रहेगी 1 2 3 4 5 ऐसे फर्स्ट से स्टार्ट करके जो एन टर्म्स है, एन टर्म्स nth टर्म को an बोले थे, तो आप n टर्म अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो उसका सम क्या होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं। लेट n n a p a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है उसको a कंसीडर कर लिया, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस रहता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, उसको मैंने d ले लिया। n नंबर ऑफ टर्म्स, l लास्ट टर्म, ए एन nth टर्म, सब लिख ले रहा हूं, एंड sn, sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जो पहली n टर्म्स है उनका सम, sn, सब लिख लिया मैंने, इतनी चीजें अपन ने यूज करे थे, ये सब फॉर्मूले में आई की थी इसलिए मैंने सबको ले लिया। a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स, l लास्ट टर्म, a n nth टर्म, और sn जो है वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। लेट sn इज इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस, मैंने तीन टर्म लिखा है, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स को लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म ap की आपकी a रहती है, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, और सबसे लास्ट में जो रहती है वो l रहती ना, l वेरी लास्ट टर्म l। तो अब ये बताओ कि अगर सबसे आखिरी में l टर्म, लास्ट टर्म एल है, तो उसके पहले वाली टर्म कौन सी होगी, तो एल के पहले एक टर्म होगी सेकंड लास्ट टर्म, वो क्या होगा, एल माइनस डी। देखिए लास्ट टर्म एल है तो उसके पहली वाली टर्म क्या होगी, एल में से कॉमन डिफरेंस माइनस कर दो एल माइनस, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, ए ए प्लस डी, इसमें कॉमन डिफरेंस आपका डी है, तो एल माइनस डी होगी, एल माइनस डी, तो एल माइनस डी। अब ये सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म क्या होगी, एल माइनस टू डी होगी, होगी, देखो सबसे लास्ट वाली टर्म एल, फिर उसके पहले वाली एल माइनस डी, उसके पहले वाली एल माइनस टू डी, फिर एल माइनस थ्री डी, एल माइनस फोर डी, ऐसा चलता जाएगा। समझ में आया, ये चीज आपको समझना है। सॉरी बच्चों, मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम लिख दिया है फर्स्ट एंड टर्म का, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस अप टू डॉट डॉट, लास्ट टर्म लिखा एल, फिर उसके पहले वाली l माइनस डी, फिर l माइनस टू डी, l माइनस थ्री डी, ऐसा आता जाएगा। हमने तीन टर्म, थ्री टर्म्स इधर से लिख दिए स्टार्टिंग से, और तीन टर्म हमने लास्ट से लिख दिए। कहीं से भी आप चेक करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिलेगा, कहीं से भी चेक कर लो इसमें तो कॉमन डिफरेंस आपको डी ही मिलेगा। देखो इसमें से इसको माइनस करो, ए कैंसिल हो जाएगा, डी आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, ए कैंसिल हो जाएगा, टू डी माइनस डी, डी आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू डी का प्लस डी और ये माइनस डी, तो ये डी आ जाएगा, ये लास्ट वाले एल में से इसको माइनस करो तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी का प्लस डी, कॉमन डिफरेंस डी आ गया। इसको हम इक्वेशन वन दे देते हैं, इसको हमने इक्वेशन वन दे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन सबको समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा, जो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसकी थ्री टर्म लिखा, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी प्लस अप टू डॉट डॉट, और एकदम लास्ट वाली टर्म लिख दिया एल, और उसके पहले वाली टर्म एल माइनस डी, उसके पहले वाली एल माइनस, तीन टर्म उधर से लिखा, तीन टर्म इधर से लिखा। नाउ राइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर, राइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर। अब ये जो टर्म्स लिखी हुई है इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स और ये लास्ट,
अब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो जो लास्ट में टर्म लिखी है उसको पहले लिखूंगा, सेकंड लास्ट को सेकंड नंबर पे लिखूंगा, थर्ड लास्ट को थर्ड नंबर पे, और ये जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट में चली जाएगी, लास्ट वाली फर्स्ट में। ये मतलब है राइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर का। तो ये क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एल प्लस, फिर एल माइनस डी आ जाएगा, प्लस फिर एल माइनस टू डी प्लस अप टू डॉट डॉट थ्री डॉट्स प्लस, या तीनों लिख दिया, आप ये वाली लिखो, ए प्लस टू डी आ जाएगा। मैंने बताया आपको कि ए सबसे लास्ट में जाएगा, प्लस ए प्लस डी आ जाएगा और प्लस ए आ जाएगा। जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट में चली गई, जो लास्ट वाली थी वो फर्स्ट में आ गई। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड, इसको हमने इक्वेशन सेकंड सपोज कर ली, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते तो अपना फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन, तो एस एन प्लस एस एन, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना एस एन हो जाएगा, कॉलम वाइज प्लस कर। देखो ये एस एन प्लस एस एन टू टाइम्स एस एन हो जाएगा, टू एस एन इज इक्वल टू, ये ए में इस एल को प्लस कर रहा हूँ, ए प्लस एल हो जाएगा, कॉलम वाइज प्लस करूंगा ऐसा, ये ए प्लस एल, ठीक है। फिर उसके बाद ये ए प्लस डी और एल माइनस डी वाले ब्रैकेट को प्लस का, मैंने पिंक लगाया इसको, तो देखना इसमें प्लस डी और इसमें माइनस डी है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी अपने को ए प्लस एल मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस ए प्लस एल आएगा। फिर देखो आगे थर्ड वाले ब्रैकेट में, देखो इन दोनों को प्लस करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ देखना ये प्लस टू डी और ये माइनस टू डी है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा ए प्लस एल, यहाँ भी बचेगा प्लस ए प्लस एल। देखो तीनों टर्म में ए प्लस एल ही बचा आपका, स्टार्टिंग के तीनों टर्म को कॉलम वाइज प्लस करके बताया तो डी वाली टर्म कैंसिल हो जा रही, फर्स्ट वाले में ए प्लस एल आ गया, सेकंड वाले में माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, ए प्लस एल आ गया, थर्ड वाले में ए प्लस टू डी एल माइनस टू डी था, माइनस टू डी प्लस टू डी कैंसिल हो गया, ए प्लस एल आ गया, प्लस अप टू डॉट डॉट, तीन डॉट्स लगाए आपने प्लस, अब यहाँ प्लस करना आपको ऐसे, ये वाली टर्म्स को प्लस करना आपको, यहाँ देखो एल प्लस ए और ये माइनस टू डी प्लस टू डी यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो एल प्लस ए बचेगा, या मैं उसको ए प्लस एल लिख देता हूँ, ये भी आपका ए प्लस एल बचेगा। उसके बाद वाली टर्म देखिए, ये एल माइनस डी और ए प्लस डी वाले को मैं प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ भी देखो ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, एल प्लस ए बचेगा, या इसको भी मैं ए प्लस एल लिख दे रहा हूँ, ए प्लस एल, और वेरी लास्ट ये ए प्लस एल, लास्ट वाली टर्म को प्लस करेंगे तो ए प्लस एल, ये भी आपका ए प्लस एल आ जाएगा, प्लस ए प्लस एल, मैं हो ही लिखता हूँ यार उसको, एक मिनट रुको, सब ए प्लस एल आए, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा, ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल और प्लस ए प्लस एल, ए प्लस एल, देखो सब में ए प्लस एल, ए प्लस एल बचा, और इधर टू एस एल हो गया, समझ आ रहा, जो कैंसल हुआ था सब डी डी वाली टर्म कैंसिल होगी सब में ए प्लस एल। अब आपको देखना है और देख के ये बताना है कि कितने टाइम्स ए प्लस एल आ रहा है। भाई मान लो कि फर्स्ट वाली अरिथमेटिक, ये जो अपना यहाँ पे जो सम लिखा है ये 10 टर्म्स का सम लिखा है, फिर 10 टर्म का सम और लिखा है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी टर्म का सम आएगा, 10 टर्म का ही सम आएगा, 20 टर्म का सम थोड़ी आएगा। तो ये एन टर्म थी, ये भी एन टर्म थी, तो ये ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितने टाइम आएगा, एन टाइम आएगा। और जब कोई चीज एन टाइम आती है और उसके बीच में अगर प्लस का साइन लगा रहता है तो उसको एन मल्टीप्लाई बाय दैट टर्म लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टू एस एन इज इक्वल टू एन इन टू ए प्लस एल, ए प्लस एल जो है वो एन टाइम आ रहा है और बीच में प्लस के साइन लगे इसलिए उसमें एन का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको इसको समझने के लिए, जैसे सपोज टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, 5 टाइम 2 लिखा, 1 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 दिख रहा, देख रहा, तो आप 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 आ रहा है 5 टाइम,
तो मैं 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लो आप, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, ये भी 10 आ रहा। अगर आप इसको ऐसा प्लस करते तब भी 10 आता, 2 आपका 5 टाइम आ रहा था, 1 2 3 4 5, तो आपने 2 में 5 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो भी 10 आएगा। तो यहाँ पर ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल एन टाइम आ रहा था, बीच में प्लस के साइन लगे हुए हैं, तो ये एन इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। आप ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, तो नीचे आ गया ए प्लस एल, एन अपॉन 2 ए प्लस एल, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। याद कर लो इसको आप, मेमोराइज दिस, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। समझ में आया प्रूफ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म का जो सम होता है वो एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, और एस एन जो है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है। तो इसको मेमोराइज कर लो आप, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एस एन को कभी कभी एस भी लिख देते कैपिटल एस, सम के लिए एस, और ये एन लिखा हुआ है छोटा एन, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम दो तीन फॉर्मूले और बना लेते। पुट एल इज इक्वल टू ए एन होता है, एल इज इक्वल टू ए एन, जो लास्ट टर्म होती है और एंथ टर्म होती है वो सेम होती है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रहता है। तो मैं इस एल को ए एन से रिप्लेस कर देता हूं, तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा आपके पास, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ये भी आपकी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। एक प्रूफ कर लिया अपने, एक के साथ अपने को एक फ्री मिल गया, अभी एक और मिलने वाला आपको फ्री, बाय वन गेट वन टू फ्री है। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एल लिखा है यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ए एन को एल भी बोलते हैं। अगर कभी आपको क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू गिवन हो तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखिए, ये भी इसी से आया, मेन फॉर्मूला यही है, एन अपॉन टू ए प्लस एल, वेयर ए इज द लास्ट टर्म, एन अपॉन टू ए प्लस एल को ए एन लिख दिया। एक बार और, पुट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रख दो इसमें एन के प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, एन अपॉन टू ब्रैकेट में ले लेता हूँ ए प्लस ए एन को लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, विच एम्प्लाइज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए, 2a हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका एक फॉर्मूला और आ गया, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तीन फॉर्मूले आ गए। देखिए अपन ने एक प्रूफ की मेहनत लगा के, है ना, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, उसके बाद एल के प्लेस पे ए एन रख दिए तो ये वाला फॉर्मूला आ गया एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, उसके बाद इसी ए एन के प्लेस पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुट कर दिए तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए और ए 2a हो गया, और ये एज इट इज एन माइनस वन इंटू डी। तो एक फॉर्मूले को अपने को प्रूव करना पड़ा, दो अपने को फ्री में मिल गए, तो बाय वन गेट टू फ्री, एक खरीदो और दो फ्री में पाओ, है ना, तो एक आपने खरीद ली और दो आपको वैसे ही मिल गए। तो मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है। अब इन फॉर्मूले का यूज करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो अब सवाल ये है कि तीनों के तीनों फॉर्मूले जो है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के लिए, तीनों के थ्रू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकाला जा सकता है, और तीनों एक ही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स को, लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी अलग अलग है। तो अब सवाल ये है कि सर हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो आंसर ये है कि हमको तीनों फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला भी करेंगे, सेकंड वाला भी करेंगे, और थर्ड वाला भी करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि हमको क्वांटिटी क्या गिवन है, एन तो एन की जरूरत तो तीनों में पड़ेगी आपको, एन तो आपके पास में होना ही चाहिए सम निकालने के लिए, ए की जरूरत भी आपको तीनों फॉर्मूले में पड़ेगी, ए भी आपके पास में होना ही चाहिए। अब जो थर्ड क्वांटिटी है वो ऑप्शनल है, अगर आपको एल की वैल्यू गिवन है और ए और एन तो रहनी चाहिए आपके पास में,
एल की वैल्यू गिवन है, ए की गिवन है और एन की गिवन है, तो आप पहला वाला फॉर्मूला लगा दो। और ज्यादा कोशिश अपने को पहला फॉर्मूला लगाने ही करना है, क्योंकि पहले फॉर्मूले में कैलकुलेशन कम है ना। पहला और दूसरा एक ही है, एल की वैल्यू अगर गिवन है तो ये वाला लगा दो। अगर ए एन की वैल्यू आपको गिवन है, एंथ टर्म अगर आपको गिवन है, तो फिर आप सेकेंड फॉर्मूला लगा लो। और अगर आपको ए की वैल्यू गिवन है, एन तो है, और डी की वैल्यू अगर आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस अगर आपको गिवन है, तो फिर आप ये थर्ड वाला फॉर्मूल लगा लो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a + n - 1 × d। समझ में आई बात? अब एक आखिरी सवाल इसके ऊपर कि सर अगर सारी चीजें दी हुई है, ए भी दिया, एल भी दिया, ए एन भी दिया, डी भी दिया, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूल लगाएंगे? सब गिवन है तो फिर हम सबसे छोटा वाला ये लगाएंगे जिसको हमने प्रूव किए, एन अपॉन टू ए प्लस है। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया, मैंने इससे किया, किसी बच्चे ने इससे कर दिया, तो बात एक ही, बस उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा, इसके अंदर आंसर वही आएगा। तो अगर आपको सब चीज गिवन है, एल गिवन है तो फर्स्ट वाला लगा दो, ए एन गिवन है तो सेकेंड वाला लगा दो, और डी गिवन है तो थर्ड वाला लगा दो, और सब चीज गिवन है तो फिर पहला वाला लगा दो। फिर कोई भी लगा सकते हैं आप, लेकिन पहला लगाएंगे तो कैलकुलेशन वर्क कम होगा, आंसर वही आने वाला है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी को कोई डाउट आ रहा, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो बता दो। समझ में आया ये फॉर्मूले का डेरिवेशन? देखिए फॉर्मूले का डेरिवेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है का मतलब क्या है कि जैसे अपन जब फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, तो फॉर्मूले को ड्राइव करने में कुछ स्पेशल स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स यहाँ पे लेनी पड़ती है। अगर आपने उस स्टेप को नहीं लिए तो फिर उसको प्रूव करना मुश्किल पड़ जाता है। ये प्रूव करने वाले को पता रहता है कि उसने क्या, यहाँ पे हमने एक स्पेशल स्टेप क्या लिए थे कि एक बार हमने एस एन का सम लिख दिए थे सीधा, और फिर हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए थे, इस सम को फर्स्ट टर्म को लास्ट के प्लेस पे, लास्ट को फर्स्ट के, ये इसकी स्पेशल स्टेप थी। ऐसा करने से ये आसानी से प्रूव होगा। उसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया, बस ऐड के बाद में तो सीधा कैलकुलेशन ही था, और ये आपको a + l एन टाइम दिख रहा था, तो एन इंटू a + l लिख के उसको डिवाइड कर दिए। अब आपका ये फॉर्मूला आ गया, आपको ये प्रूव कर लिया आपने। अब उसके बाद में आप ये l = an रख देंगे तो ये आ जाएगा, और an की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। अब मान लीजिए सपोज एग्जामिनेशन में आपको ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आ गया 4 मार्क का, तो आपको ऐसे प्रूफ नहीं करना है इसको कि आपने ये वाला फॉर्मूला लिख दिए और इसमें एल इजिकल टू आपने ए एन इजिकल टू, फिर आपने ये वाला लिख दिया आपने, और इसमें ए एन इजिकल टू ये रख दिए और ये प्रूफ कर लिए, है ना? ऐसा नहीं करना है आपको। ये पूरा यहाँ से एस एन करके पहले ये प्रूफ कर लो, और ये प्रूफ करके फिर आप यहाँ पर एल की वैल्यू, जैसे मैंने ए एन की वैल्यू रखा, ऐसे एल की वैल्यू यही वाली a + n - 1 × d रख के ये कर। लेकिन आपको वैसा सम दिखाते हुए उसके सम को रिवर्स ऑर्डर में लिख के ऐड करके वैसा प्रूफ करना, पहले ये वाला प्रूफ कर लो, और फिर l के प्लेस पे जैसे मैंने यहाँ पे an लिखा a + n, तो आप l की वैल्यू भी यही वाली रख सकते हैं, l = a + n - 1 × d। ठीक है, ऐसा ऐसा प्रूफ करिए। वैसे जनरली होता क्या है कि एग्जामिनेशन में फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है किसी किताब में कि पूछे ही नहीं जाएंगे। आपकी बुक में भी सॉल्व करके देता है, प्रूफ करके देता है, लेकिन अपन क्या करते हैं कि अपन फॉर्मूले को लगभग हर बार फॉर्मूले को अपन ड्राइव करके देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं, उससे अपने को पता चल जाता है। अब देखो फॉर्मूला प्रूफ करने से आपको पता चल रहा है कि एन अपॉइंट टू कहाँ से आया होगा, क्यों एन अपॉइंट टू आया, ये 2SN हो गया था आपका इसलिए 2 से डिवाइड होके ये आया, फिर ये एल चेंज होके ये कैसे हो गया, फिर ये कैसे हो गया, सब आपको समझ में आ रहा है। और अगर आप इसको प्रूफ नहीं करते तो अभी तक अपनी एक्सरसाइज हो जाती है ना, फट से फॉर्मूले बता देते आपको, आप फॉर्मूले में फटाफट 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 वैल्यू रखते चले जाते, आपका कोर्स भी खत्म हो जाता फटाफट। और ये शॉर्ट टर्म चीजें रहती है कि आप फट से फॉर्मूला उठाओ, उसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, तो उसमें टाइम भी नहीं लगता और वो होता है। लेकिन ये सब चीजें सीखने से, इसको मैं मैथमेटिकल स्किल कहता हूँ। अगर ये फॉर्मूले आप प्रूफ करने की आदत आपको हो जाती है, तो इससे आपकी मैथमेटिक्स की स्किल डेवलप होती है, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है। जिसने इन चीजों को याद रख लिया या जिसने ये चीजें सॉल्व कर लिया, वो कुछ भी कर सकता है मैथमेटिक्स में। और ये इतनी आसान चीजें दिख रही है आपको आसान, लेकिन इसको प्रूव करना उतना आसान नहीं होता, हर फॉर्मूले को प्रूव करना उतना आसान नहीं होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो। तो उसको यदि आप प्रूव करके सीखते हैं तो ये फॉर्मूला लाइफ टाइम याद रहता, कभी भूलते नहीं है फॉर्मूले को। और शॉर्ट में यदि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला उठाए कहीं से पिक करे और फॉर्मूले का यूज करना शुरू कर दिए, तो थोड़ी देर के बाद में या कुछ दिनों के बाद में वो फॉर्मूला आप भूल जाते हैं, और आपको ये भी नहीं पता रहता उस क्वांटिटी के बारे में कि ये कहाँ से आई। आपने शॉर्टकट यूज करके फॉर्मूला उठा लिए थे कहीं से, तो वो आपको कहीं ना कहीं जाके कभी आपसे कुछ गलती करा सकता है। लेकिन जब अपन फॉर्मूले प्रूफ करते हैं तो फॉर्मूले में जो स्टेप्स लगती है, उन स्टेप्स को लेते हुए जब वो प्रूफ होता है, फॉर्मूला अपनी मेमोरी में जाके फीड हो जाता है, यहाँ पे सेव हो जाता है, फिर इसको भूलते नहीं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाया जाए बच्चों। ठीक, अब आते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। और ये फॉर्मूले प्रूफ करके बताना भी आपको जरूरी इसलिए था कि
कि आने वाले साल में ये फॉर्मूले फिर से आएंगे, 11th क्लास में फिर से आएंगे, तो वहाँ आपको इसको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये 10th क्लास में प्रूफ करके दिखा दिए तो अब वहाँ नहीं दिखाएंगे, है ना। तो हम साथ साथ में अपना 11th का काम भी करते चले जाते हैं। एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs, कुछ APs गिवन है उसका सम फाइंड आउट करना। सम बोले तो SN, SN को S भी बोल देते हैं। मैं वन बाय वन एक एक लेते जाता हूँ, इसका सम हम फाइंड करें। अब उसने AP बोल के दिया तब आपको लिस्ट को चेक करने की जरूरत नहीं, जब वो नहीं बोलता है तब अपने को चेक करना पड़ता है। 2, 7, 12, 10 terms आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने लिख दिया कि जो टर्म्स है 10 टर्म्स जो है वो AP में, हमको उसका सम फाइंड आउट करना है। तो हियर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2, D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब डायरेक्ट अपन सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बार बार, A2 - A1 और पिछली एक्सरसाइज में लिखते थे अपनी। 7 - 2 5 हो गया। N इज इक्वल टू 10, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, S10 आपको कैलकुलेट करना है, S10। तो अब S10 कैलकुलेट करने के लिए ए भी अपने पास में है और डी भी है, तो जब ए और डी की वैल्यू गिवन हो तो आप लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन तो है ही अपने पास में, सेंस SN इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a + n - 1 × d। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, S10 n इज इक्वल टू 10 रख दो, ये 10 अपॉन टू 2 × a 2 + n 10 - 1 × d = 5। केयरफुली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, नाउ सिंप्लीफाई दिस, दिस 2 5s are 10 विच इज इक्वल टू 5, 2 2s are 4 प्लस 10 - 1 9 × 5, सो 5 4 9 5s are 45, 5 45 + 4 49 मल्टीप्लाई बाय 5 5 9 = 45, 5 carry over 4, 5 4 = 20 + 4 = 24, 245। 245 इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको गिवन है, इसकी 10 टर्म्स का जो सम होगा वो 245 होगा। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, -37 - 33 - 29 - 10 - 12 terms, ये भी AP में गिवन है। -37 - 33 - 29 3 dots - 12 terms, और ये जो 12 terms है ये AP में है, RN arithmetic progression। Here A is equal to -37 first term, D is equal to second term minus first term, so -37 A2 - A1, इसको सॉल्व कर लो, -33 - -+ 37 37 - 33 4 + 4 आ जाएगा 7 - 3 4। N is equal to 12, so we have to find out S12। Again notice this, the value of A is given and D is given। जब A और D की वैल्यू गिवन है, N तो है ही अपने पास में, तो लास्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, SN वाला, D वाला। सेंस SN इज इक्वल टू N अपॉन टू 2a + n - 1 × d, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, SN इज इक्वल टू 12, n 12 अपॉन 2, 2a इज इक्वल टू -37, +n 12 - 1 × d = 4, 2 6 = 12 6, 2 × -37 - 2 7 = 14, 2 3 = 6 1 7 - 74, +12 - 1 = 11 × 4, 6 × -74 +11 = 44, which is equal to 6 × -74 + 44, माइनस करेंगे
अगर नंबर के अगेंस्ट माइनस साइन है तो माइनस, 4 माइनस 4 जीरो, 7 माइनस 4 3, माइनस 30, माइनस 30 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 30 इंटू 6, 6 3 जा 80, 180, सो माइनस 180 इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, ये सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 200 टर्म्स, जिसकी 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ये एपी में 0.6, 1.7, 2.8, डॉट डॉट 200 टर्म्स आर इन एपी, दीज टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेस, हियर ए इज इक्वल टू 0.6, बी इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, कितना हो गए, 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे ये 1.1 प्लस का 1.1, एन इज इक्वल टू 100, सो वी नीड टू फाइंड एस 100, क्वेश्चन मार्क, अगेन द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन एंड डी इज गिवन, सो विच फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a plus n minus 1 into d. Substitute the values as n is equal to 100. N upon 2, 100 upon 2. 2 into a, 0.6 plus 100 minus 1, n 100 into d, d 1.1. Simplify this, 2 5s are 10 and 0 50 times, 50, 6 2s are 12, 1 digit ka decimal laga to 1.2 plus 100 minus 1 99 into 1.1, 50 into 1.2 plus isme 99 ban ja 99 या 11 का इंटू कर लो, एक डिजिट का डेसिमल लगा दे, 11 9 जा 99, 9 बचा 11 9 जा 99 और 9 कितना हो जाएगा 108, एक डिजिट का डेसिमल लगाओ, इसमें 1.2 को प्लस करो, 50 इंटू 1.2 को 100, 8.9 में प्लस 2, 9, 11, 1, 9, 1, 8, 9, 9, 1, 10, 1, 1, 110.1, 110.1, इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक जीरो लगा देता हूँ मैं, अभी एक डिजिट का डेसिमल लगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 वन जा 5, 0, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, एक डिजिट का डेसिमल लगा दो, तो ये आ गया आपका 5505। एक लास्ट पार्ट है, 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट टू 11 टर्म्स, 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट टू 11 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस टर्म्स आर इन एपी, हियर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1/15, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, टेक एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60, 60 is the lowest number which is divisible by 12 and 15 both. So 12 से divide कर दिए, 12 5 जा 60, 5 का 1 में multiply कर लो, 15 से divide करो, 60 को 15, 4 जा 60 और 4 1 जा 4, 1/60, ठीक है, 1/60 डी आ गया, n is equal to, that is given 11, so s 11 we need to calculate, s 11 calculate karna hai, sn is equal to
एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू गिवन थी इसलिए ये वाला फॉर्मूला। सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, एस एन एन अलेवन, ये कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू एन अलेवन अपॉन टू, टू इंटू ए वन अपॉन फिफ्टीन प्लस एन अलेवन माइनस वन इंटू डी वन अपॉन सिक्सटीन। केयरफुली वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करना है, ये 11 अपॉन 2 एज इट इज, ये क्या हो गया 2 अपॉन 15, 2 2 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1 अपॉन 16। इसको सॉल्व कर दो, ये 0 0 कैंसल्ड, 11 अपॉन 2 2 अपॉन 15 प्लस 1, अपन एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 11 अपॉन 2, यहाँ एलसीएम ले लो 15, 15 डिवाइड की 1 का इंटू करेंगे तो 2 प्लस 1 से डिवाइड 15 का इंटू करेंगे 15 वन जा 15, अब ये हो गया 11 अपॉन 2 इंटू क्या कर दिए 6 था यार ना, ये 1 अपॉन 6 है, एक मिनट, तो एलसीएम बदल जाएगा फिर 15 और 6 का एलसीएम 30, ये 30 कर लो, 15 टू जा 30, 2 टू जा 4, 6 5 टाइम 5 वन जा 5, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 5 9 अपॉन 30, सही है ना, 3 3 जा 9 और 3 10 जा, अब क्या बच गए 11 3 जा 33 अपॉन 2 10 जा 20, दिस इज द आंसर। ऐसे फ्रैक्शन में रह दो, डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द सम गिवन बिलो, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका सम फाइंड आउट करना है। तो देखो 7 प्लस 10 एंड 1 अपॉन 2 14 और ये 80, तो ये नंबर प्रैक्टिकल नंबर दिख रहा है अपने को ना, ये 10 एंड हाफ मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लो आप पहले, तो ये हो जाएगा आपका, और करके इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 प्लस 10 टू जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 84, 10 एंड हाफ लिखा हुआ है ना, तो 10 एंड हाफ का मतलब क्या हो जाएगा साढ़े दस, 10.5 है ना, इसको और डिवाइड कर दे अपन, तो 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 84। अब देखो ये तीन टर्म यहाँ पे दी हुई है, अभी इसमें ये नहीं लिखा है कि ये एपी में है काय में है, तो अपन सम का फॉर्मूला तो तभी अप्लाई कर सकते जब वो एपी में हो, तो इसको देखो ऐसे ओरली देख लो इसको, 7 और 10.5, 10.5 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3.5 बचेगा क्या, ये 5 और ये 3.5 बचेगा ना, 3.5 बचेगा, फिर अगर आप 14 में से 10.5 को माइनस करते हैं तो अभी इतना ही बचे 10 माइनस 5 5, ये 3.5, तो 3.5 3.5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा, इसका मतलब है कि अपन इसको एपी में है ना, ये अपन ने चेक कर ली बाहर के बाहर। अब मैं यहां लिख देता हूँ आर एन एपी, आर एन एपी लिख सकते हैं आप ऐसा चेक करके भी, ये एपी में गिवन नहीं था, अपन ने चेक करके देखी आर एन एपी, ये एपी में ये अपन ने बाहर के बाहर ऐसा चेक करके देख लिए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके देखा, तो 3.5 3.5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ये एपी में। हियर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 10.5 माइनस 7 दैट इज 3.5, ये जो 84 दिख रहा है ये वेरी लास्ट में दिख रहा है, सबसे लास्ट में दिख रहा है ये, तो इसको लास्ट टर्म बोल देता हूँ मैं 84। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, एस एन सम कैलकुलेट करना है, तो जब आपको सम कैलकुलेट करना रहता
तो सम कितनी टर्म का सम हमको कैलकुलेट करना है ये तो पता होना चाहिए, मतलब एन की वैल्यू हमको पता होना चाहिए। सम तो करना है आपको, सम तो फाइंड आउट करना है, लेकिन कितनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो एन इसके अंदर गिवन नहीं है, तो एन हमको पहले निकालना पड़ेगा। एन आने के बाद में एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एल गिवन है फर्स्ट वाला। तो जब भी आपको सम निकालना हो तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता रहेगी तो सम कितनी टर्म का निकालेंगे। तो इसमें एन गिवन नहीं है, तो पहले एन निकालने के लिए हम एल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फर्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला, वैल्यू रख देते हैं इसमें। एल है हमारे पास 84, ए आपका 7 प्लस एन मिसिंग है माइनस वन इंटू डी 3.5। इसको सॉल्व कर देंगे, 84 7 को शिफ्ट करेंगे तो -7, ये 3.5 एन माइनस वन। 87 में से 84 में 7 माइनस करो, 14 माइनस 7 7 77, और ये 3.5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, इज इक्वल टू एन माइनस वन। इसका डेसिमल हटा दो पहले, जब डेसिमल हटाते हैं तो क्या करते हैं, डेसिमल के प्लेस पे 1 और जितने डिजिट उसके बाद थे उतने 0, इतना 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो डेसिमल हट जाएगा। तो 77 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 35, ऐसा हो गया। आप कैंसिल कर लो इसको, 5 से कर लो, 5 टू जा 10, 5 7 जा 35, और 7 से 77 को कर लो, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन। आराम से सॉल्व करना है, ऊपर 11 टू जा 22 हो जाएगा, माइनस वन को शिफ्ट किए, प्लस वन इज इक्वल टू एन, विच एम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 23। देखो एन इज इक्वल टू 23 आ गया। अब इस एन की हेल्प से अपन एस एन निकाल सकते। नाउ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन, एल गिवन है तो फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, भले ही डी भी आपको गिवन है लेकिन ये छोटा पड़ता फॉर्म, इधर रख दो 23, 23 टर्म का सम है। ए कितना था 7 प्लस एल 84, इसको सिंप्लीफाई करो, 23 अपॉन टू, 84 प्लस 7, 7 प्लस 4 11, 81 9, 91 डिवाइड नहीं होगा, 91 में 23 का मल्टीप्लाई कर लो, 23 बन जा 23 3 करीब और 2, 23 इंटू 9 कितना होता है, 23 इंटू 9, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 2 20, 207 और 2 ना 209, इसको 2 से डिवाइड कर लो। वैसे ये आंसर ठीक है, बुक में ऐसा दिया है, 1 0 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 1 बचेगा ये 1046 एंड हाफ, इतना होगा इसका सम। ऐसा लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं आंसर, देख लेते हैं आंसर क्या है। तो 146 एंड हाफ, मैंने आंसर देख लिया था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, आपको पता नहीं चलेगा ऐसा, अगर पता नहीं चल रहा तो फिर आप यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर को, या आप इसको डेसिमल में लिख सकते, ये मैंने आंसर देख के ऐसा लिख दिया है बुक का आंसर मैच करने के, लेकिन एग्जाम में अपने को पता नहीं चलता ऐसा आंसर, तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डेसिमल में लिखना तो लिखो, कोई जरूरत नहीं डेसिमल में, फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते। ऐसे ही आपका सेकेंड पार्ट है इसका, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू डॉट डॉट, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 10। देखो इसको 32 माइनस 34 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, 30 माइनस 32 करेंगे तो माइनस 2, माइनस 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा, मीन्स आर इन एपी, ये जो टर्म्स दी हुई है इनका सम जो है वो एपी में गिवन है। हियर ए इज इक्वल टू 34, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज माइनस 2। एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म दिख रही है हमको 10। एस एन आपको कैलकुलेट करना है, एस एन के लिए हमको एन की जरूरत पड़ेगी, एन नहीं है इसमें, एन निकालो जैसा अभी निकाले थे। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल 10, ए 34
प्लस एन मिसिंग एन टू डी माइनस टू, टेन 34 को शिफ्ट करो माइनस 34, माइनस टू इंटू एन माइनस वन, टेन माइनस 34 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस टू, एन माइनस वन, नेगेटिव नेगेटिव गया, टू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 24 डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू एन माइनस वन, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, 12 टाइम कैंसिल हो गया, विच एम्प्लाइज 12, माइनस वन को शिफ्ट किए प्लस वन इज इक्वल टू एन, सो एन इज इक्वल टू 30। अब एन आ गया अपने हमारे पास, अब डायरेक्ट हम एस एन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, एल गिवन है तो एल वाला फॉर्मूला लगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, एन 13 अपॉन टू ए, ए 34 प्लस एल 10। इसको सॉल्व करो, 13 अपॉन टू, 34 प्लस 10 44, टू से कैंसिल कर लो, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, 13 इंटू 22 करो मल्टीप्लाई, 13 टू जा 26 कैरी और टू, 13 टू जा 26 और टू 28, 286 इज द रिक्वायर्ड सम, 286 होगा इसका सम। थर्ड वाला पार्ट देखिए, माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 11 प्लस अप टू डॉट डॉट माइनस 230। देखो जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था उस वक्त में हमने आपको सीरीज और सीक्वेंस बताए थे। सीक्वेंस क्या होता है, नंबर्स की एक लिस्ट होती है दैट आर इन ऑर्डर और नंबर्स के बीच में कॉमे लगे रहते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स रहती, नंबर्स के बीच में कॉमे लगे रहते हैं, उसको सीक्वेंस कहते हैं, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रहता है। आप उस सीक्वेंस को यदि सीरीज बनाना है तो उनको प्लस साइन लगा के कंबाइन कर देते हैं। इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर रिटन बाय प्लस साइन देन इट फॉर्म्स अ सीरीज। तो माइनस फाइव माइनस एट माइनस इलेवन माइनस टू थर्टी, इसको प्लस साइन लगा लगा के लिख दिया, तो ये आपकी क्या होगी, एक सीरीज होगी। बाद में माइनस साइन प्लस माइनस का माइनस हो जाता है। अब इसका भी सम कैलकुलेट करना हमको, सो माइनस फाइव प्लस माइनस एट प्लस माइनस इलेवन प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस माइनस टू थर्टी। यहाँ देखो माइनस एट है और उसमें से माइनस फाइव माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस फाइव, माइनस एट प्लस फाइव माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस इलेवन माइनस एट करेंगे तो माइनस इलेवन माइनस माइनस प्लस एट माइनस थ्री का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है, आर इन एपी। हियर ए इज इक्वल टू माइनस फाइव, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू माइनस एट माइनस माइनस फाइव विच इज इक्वल टू माइनस एट माइनस माइनस प्लस फाइव, माइनस एट प्लस फाइव माइनस थ्री, और ये लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू माइनस टू थर्टी, माइनस टू थर्टी। एस एन कैलकुलेट करना है आपको, एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो एस एन के लिए हमको एन की जरूरत पड़ेगी, अभी एन की बन नहीं है, पहले एन निकाल लो। अब एस एन कैलकुलेट करने के लिए हमको एन की जरूरत पड़ेगी, तो पहले एन निकाल लो, सेंस एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, रखो वैल्यू, एल माइनस टू थर्टी, ए माइनस फाइव प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी माइनस थ्री, माइनस टू थर्टी, माइनस फाइव को तो शिफ्ट कर लो प्लस फाइव, ये माइनस थ्री, एन माइनस वन, माइनस टू थर्टी प्लस फाइव कितना हो जाएगा, माइनस टू ट्वेंटी फाइव, है ना, एक प्लस एक माइनस तो माइनस करते, बिगर नंबर के अगेंस्ट माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दी, माइनस थ्री, अभी डिवाइड करते हैं इसको, एन माइनस वन, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर लो, थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, टू ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री इज इक्वल टू एन माइनस वन, कैंसिल हो जाएगा थ्री से, टू टू फोर प्लस फाइव नाइन, इसका सम आपका थ्री से डिवाइड हो रहा था, ये भी हो जाएगा, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री फाइव जा फिफ्टी, सेवेंटी फाइव टाइम्स, ये सेवेंटी फाइव, माइनस वन को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस वन इज इक्वल टू एन, सो एन इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स। नाउ एस एन, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन, देखिए हम वो डी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डी भी गिवन है अपने को,
लेकिन ये फॉर्मूला छोटा है इसलिए मैं ये लगाता हूँ, आप भी यही लगाएंगे। 76/2 ए कितना है -5 प्लस एल है -30, तो प्लस माइनस माइनस 230। इसको 76 को कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 38 टाइम 38 इंटू -235। चल भैया इसका मल्टीप्लाई कर लो यार, इतना है 235, 235 है क्या, इंटू 38 8930 -8930। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो 10 पार्ट से घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सारे पार्ट्स भी रहते हैं। एन एन ए पी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये किया है, तो फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेना, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये आपको गिवन है, एन एन ए पी, ये सब ए पी में, ए इजिकल टू 5, डी इजिकल टू 3, ए एन इजिकल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। देखो अभी अपन ने ए एन का नाम लिए थे कि एक फॉर्मूला बच गया अपना, अभी ए एन यहाँ पे आ गया तो अपन ए एन वाला फॉर्मूला भी यूज कर लिया। एन और एस एन आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला रखते हैं, उससे एन आ जाएगा, अपने को एस एन निकालने के लिए एन की जरूरत पड़ेगी। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू आपको 50 की बने, ए 5 है प्लस एन 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 मिसिंग है -1 इंटू डी आपका 3 है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 55 को इधर शिफ्ट करो, -5 इजिकल टू 3 इंटू एन -1, 50 -5 का 45 हो जाएगा, डिवाइड बाय दिस 3, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एन -1, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 15 टाइम्स। यह 15 -1 को शिफ्ट करेंगे, +1 इजिकल टू एन, सो एन इजिकल टू 16, ये एक आंसर आ गया आपका, एन इजिकल टू 16। अब एस एन निकालना है हमको, सिंस एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ये भी फॉर्मूला प्रूव किया अपन, ए प्लस ए एन वाला, ए एन की वैल्यू गिवन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, एन 16 अपॉन टू ए है आपका 5 है ना, 5 प्लस ए एन कितना है, ए एन गिवन है अपने को 50। आप कोई भी फॉर्मूला रख सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्मूला प्रूव किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि वो फॉर्मूले कम से कम एक आध बार तो यूज करूँ, कम यूज होता है वैसे वो, 2 से 8 टाइम, 8 इंटू 55 हो जाएगा, 55 में 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 प्लस 4 44, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, एन इजिकल टू 16 और एस एन इजिकल टू 440। एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पार्ट, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन ए इजिकल टू 7, ए 13 इजिकल टू 35, देन फाइंड डी एंड एस 13। सो डी मीन्स कॉमन डिफरेंस और एस 13 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, दिस टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट। एन एन ए पी ए इजिकल टू 7, ए 13 इजिकल टू 35, डी इजिकल टू क्वेश्चन मार्क एंड एस 13 इजिकल टू ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, ये दो चीजें फाइंड आउट करना है। तो एस 13 निकालने के लिए ए तो अपने पास में है और डी चाहिए अपने को, और एन इजिकल टू 13 रख देंगे, ए है ये, डी निकाल लेते हैं पहले, तो ये जो ए 13 अपने को गिवन है इसी की हेल्प से हम डी निकाल लें। ए 13 इजिकल टू 35 इट इज गिवन, सो ए 13 कैन बी रिटर्न ए प्लस 12d, ए प्लस 12d इजिकल टू 35 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, सिंस ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह है nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें n के प्लेस पे आप 13 रखेंगे यहाँ पे,
ये 13 माइनस 1 12 डी हो जाएगा, तो ए प्लस 12 डी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, या फॉर्मूले में वैल्यू रख के करेंगे तब भी वही आएगा। अब हियर ए इज इक्वल टू 7, ये गिवन है हमको 7, ए इज इक्वल टू 7, ये यहां से ए इज इक्वल टू 7 रख दिए, प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35। सो 12 डी इज इक्वल टू 7 को शिफ्ट कर लो, 35 माइनस 7 विच एम्प्लाइज 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 15 माइनस 7 8 और ये 2 28, विच एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 12 से डिवाइड कर लो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 28 अपॉन 12, 4 से कैंसिल करो, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, सो डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, ये एक आंसर आ गया हमारा, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, ये कैलकुलेट करना था हमको। नाउ एस 13, ये एस 13 कैलकुलेट करना हमको, तो एस 13 के लिए हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। नाउ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एस 13, एन इज इक्वल टू 13 रख दो, एन अपॉन 2 13 अपॉन 2 2 इंटू ए, ए कितना है 7, प्लस एन 13 माइनस 1 इंटू डी 7 अपॉन 3 निकाले हमने, इसको सॉल्व कर देते हम, 13 अपॉन 2 एज इट इज, 2 7 जा 14, प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 13 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 4 7 जा 28, सिंप्लीफाई दिस, 13 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 28 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 12, कैरी ओवर 1, 2 1 3 1 4 42, 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 21 टाइम्स कैंसल्ड, सो 13 इंटू 21, 13 1 जा 13 3, कैरी ओवर 1, 13 2 जा 26 और 1 27, 273 is the sum of first 13 term, s 13 is equal to this, ek answer aapka ye aa gaya, s 13 273 and d 7 upon 3। chaliye third wala part dekhi, isi ka third part hai, given a 12 is equal to 37 d is equal to 3, find a and s 12, a means first term, s 12 means first 12 term ka sum, so NNAP, NN arithmetic progression, A12 means 12th term 37, D is equal to 3, so A is equal to question mark and S12 is equal to question mark, okay, so पहले तो first term A निकालना हमको, फिर S12 के लिए A आ जाएगा अपने पास और D given है, बस ए निकालेंगे उसके बाद में एस ट्वेल्व आ जाएगा, सो ये कंडीशन है अपने पास, सेंस ए ट्वेल्व इज इक्वल टू 37 इट इज गिवन ना, ये गिवन है, सो ए ट्वेल्व कैन बी रिटर्न ए प्लस 11 डी, एक डी कम करके लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू 37, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह है nth टर्म का फॉर्मूला है ना, इसी में आप n के प्लेस पे 12 रख देंगे, यहाँ यहाँ 12, तो 12 माइनस 1 11 डी हो जाए, a प्लस 11 डी, अब इसके अंदर d की वैल्यू हमको गिवन है 3, d को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाला d, सो विच एम्प्लाइज a प्लस 11 इंटू डी 3 इक्वल टू 37, सो ए प्लस 11 3 जा 33,
इज इक्वल टू 37, विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33, 33 को शिफ्ट कर दिए, विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33 4. सो दिस इज द आंसर, ए इज इक्वल टू 4. ये फर्स्ट टर्म, आप इस फर्स्ट टर्म की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट दिस एस 12. एस 12 के लिए ए कैलकुलेट कर लिया हमने और डी हमको गिवन, एन के प्लेस पे 12 रख दी. नाउ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, एस 12 वॉट एन इज इक्वल टू 12 अपॉन टू 2 इंटू ए 4, ये 4 कैलकुलेट किए हमने, प्लस एन 12 माइनस 1 इंटू डी, डी इज गिवन 3. सिंप्लीफाई दिस, 2 6 जा 12 विच इज इक्वल टू 6, 2 4 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 11 3 जा 33 which is equal to 6 into 33 plus 8, 8 plus 3, 11, 3, 1, 4, 41. Multiply 41 by 6, 6, 1, 6, 6, 4, 24, 246. This is S12. So, S12, our sum of first 12 term is 246. A is equal to 4 and S12 is equal to 246. Next one, fourth one. Given A3 is equal to 15, S10 is equal to 125, find D and A10. So, in an arithmetic progression, in an AP, A3 means third term is equal to 15, S10 is equal to 125, D is equal to question mark, and A10 means 10th term is equal to question mark. So A10, for calculating 10th term we require first term and common difference. So first term bhi nahi hai hamare paas aur common difference bhi nahi hai. So D bhi nikalna padega aur A bhi nikalna padega. D aur A aane ke baad mein डी आ जाएगा और फिर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला रख दें तो ए आपको निकालना पड़ेगा. तो ये कंडीशन है अपने पास में, सिंस ए थ्री इज इक्वल टू 15 इट इज गिवन. सिंस मीन्स अपने को पता है या गिवन है. ए थ्री कैन बी रिटर्न ए प्लस 2d, एक डी कम कर देते हैं. सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप n के प्लेस पे 3 रख दो तो 3 माइनस 1 2d हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15. कोई भी वैल्यू अपने गिवन नहीं, a भी गिवन नहीं है, d भी गिवन नहीं है. तो लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको एक इक्वेशन दे दो आप, ठीक है. अब एक कंडीशन और गिवन है हमको, S10 इज इक्वल टू 125, तो हम इसका भी यूज कर लेते हैं. सिंस Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहां देखो, अगर आपकी नजर ठीक से काम कर रही है तो ये S10 दिया हुआ है, ठीक है, और ये A10 हमको कैलकुलेट करना है. तो Sn इज इक्वल टू, अगर अपन An वाला फॉर्मूला लगा दे तो when जब हम यहाँ n के प्लेस पे 10 रखेंगे तो ये S10 हो जाएगा और यहां पर A10 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारी A10 की वैल्यू आ जाएगी. देखो दोनों चीज पे नजर रखो, S10 और A10, मतलब A10 अपने को कैलकुलेट करना और S10 की बने अपने, तो यहां पे जब अपन 10 रखेंगे तो ये S10 हो जाएगा. a प्लस एन वाला फॉर्मूला लगा देता हूं मैं यहां पे, n अपॉन टू ए प्लस
एन, और एन के प्लेस एन के प्लेस टेन रखें तो ये डायरेक्ट ए टेन आ जाएगा यहाँ पर, तो ए टेन की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी अपने पास। तो यहाँ पर मैं एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, थर्ड सेकेंड वाला फॉर्मूला, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला भी अपन ने प्रूव किया, अपन इसका यूज कर सकते हैं। अब पुट एन इज इक्वल टू टेन, तो एस टेन एन इज इक्वल टू टेन अपॉन टू ए, पता नहीं है हमको, प्लस ए टेन, ये ए टेन ना, अब ए टेन अपना यहां से निकल जाएगा ए के टर्म में। एस टेन इज गिवन 125, ये 125 गिवन है। एन अपॉन टू टू फाइव जा टेन, तो ये आ गया अपना 5। ए प्लस ए टेन, ए टेन को ए टेन ही रहने दो, ए टेन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में डायरेक्ट। ये 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू ए प्लस ए टेन है ना, 5 2 10, 2 बचेगा 5 5 20, 25 टाइम्स। सो ये 25, और ए को अपन इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस ए इज इक्वल टू ए टेन। बस आपको यहां पर ए की वैल्यू रखना है। अब ए की वैल्यू है क्या अपने पास में? नहीं है। अब ए की वैल्यू निकाल के अपन यहाँ रख देंगे तो अपना ए टेन आ जाएगा। और क्या चीज निकालना अपने को? डी निकालना, अभी डी की भी जरूरत पड़ेगी हमको। तो अब ए टेन की वैल्यू ये आ गई अपने पास है ना, ए टेन इज इक्वल टू ये आ गया, और डी चाहिए। तो अब मैं फिर से ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, और उसमें मैं क्या करूंगा, एन के प्लेस पे टेन रख दूंगा। या अपन इसी को सॉल्व कर ले आगे, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, ए प्लस 90 लिख सकते हैं इसको। तो ए और डी यहाँ पे आ जाएगा, और एक इक्वेशन अपने पास में ए और डी में, दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये दूसरा भी आ जाएगा। इसको एक इक्वेशन दे दो आप, इसको सेकेंड नंबर का इक्वेशन दे दो, 25 माइनस ए। अब हमको ए टेन निकालने के लिए ए की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब अपने पास में एक इक्वेशन ए प्लस 2d इज इक्वल टू 15 बचा, और एक बचा है 25 माइनस ए इज इक्वल टू ए टेन। तो इस ए टेन को देखो, इस ए टेन को हम ए प्लस 9d लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए प्लस 9d। इसी को मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिल जाएगा हमको, 25 माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस 9d लिख सकते हैं इसको। डी वालों को एक साइड कर लो, ए और डी वालों को, ये 25, ये माइनस ए को इधर ही शिफ्ट कर लो, तो ये प्लस ए प्लस 9d। तो ए प्लस ए 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ऐसा हो गया। इसको दे दो आप इक्वेशन थर्ड। अब देखो आप फर्स्ट को देखो और थर्ड को देखो। फर्स्ट में यहां पर ए है और यहां पर 2a है, ये 2d है और ये 9d है। तो इस इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 2a हो जाएगा, और यहां भी 2a है। फिर थर्ड इक्वेशन में से, या फोर्थ इक्वेशन एक बनेगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, 2a 2a कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू, और एक वैल्यू आपके पास में आ गई तो सब चीज आ जाएगी। तो अब मैं इक्वेशन वन में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, करो 2 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 15, 2 जा 30, 2a प्लस 4d, हाँ इसको इक्वेशन 4 दे दो। अब देखो थर्ड को और फोर को देखो आप, ये भी 2a ये भी 2a, तो 4 बड़ा दिख रहा है, ये 30 है 25, इसमें से इसको या इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 2a 2a कैंसिल हो जाएगा, किसी में से भी किसी को माइनस करो, थर्ड में से 4 को माइनस कर दो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर, थर्ड को लिखो पहले 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, फिर
फिर फोर्थ को लिख दो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। फोर्थ इक्वेशन को माइनस करें, इसके साइन चेंज करना पड़ेगा, सब माइनस माइनस, ड्रॉ लाइन, 2a पॉजिटिव 2a नेगेटिव गेट्स कैंसल्ड, 9d माइनस 4d 5d हो जाएगा, 25 माइनस 30 माइनस 5, सो d इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 बन जा 5, सो माइनस 1, d इज इक्वल टू, एक आंसर भी आ गया अपना, d इज इक्वल टू माइनस 1, d की वैल्यू चाहिए थी हमको, एक आंसर आ गया हमारा। देखो हमको d की जरूरत थी, d निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, a tan निकालना। तो अब इस d की वैल्यू को एक सिंपल इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख देते d की वैल्यू, तो a आ जाएगा और फिर उसको उठा के यहाँ रख दें। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, फर्स्ट फर्स्ट में रख दो, पहले फर्स्ट ही था ना, हाँ ये वाला फर्स्ट, a और d वाला, यहाँ d की रख देते तो a आ जाएगा, फिर वो a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो a tan भी आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, putting the value of d in equation first, क्या था first equation, a plus 2d is equal to 15, a plus 2d is equal to 15, इसमें आप d is equal to minus 1 रख दो, so which implies a plus 2 into minus 1 is equal to 15, a प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस टू इज इक्वल टू 15, ए इज इक्वल टू 15, माइनस टू को शिफ्ट कर देंगे प्लस टू, ए इज इक्वल टू 17, अब ए की वैल्यू आ गई 17। अब इस ए की वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं तो ये 10 आ जाएगा, और अगर जैसे सेकंड इक्वेशन नहीं भी बनाते कभी आप, तो ए और डी आने के बाद में डायरेक्ट ए एन वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन के प्लस टू 10 रखते तो उससे भी आपका ए 10 आ जाता, कैसा भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा निकाले। अब इसको सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन ये वाला है, 25 माइनस ए इजिकल टू ए 10, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या है सेकेंड इक्वेशन, 25 माइनस ए, 25 माइनस ए इज इक्वल टू ए 10, ये है, इसमें वैल्यू रख दो आप, ये 25, ए की वैल्यू 17 इज इक्वल टू ए 10, 25 में से 15 माइनस 7 करेंगे तो 8, ए 10, और ए 10 को इधर लिख दो, ए 10 इज इक्वल टू 8, ये आपका दूसरा आंसर आ गया, ए 10 आया अपना 8 और d आया है माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए फिफ्थ वाला पार्ट, गिवन d इज इक्वल टू 5 s 9 इज इक्वल टू 75 a एंड a 9 कैलकुलेट करना है, n n a p, d इज इक्वल टू 5 s 9 इज इक्वल टू 75, सो a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड a 9 मींस 9th टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो पहले हमको a कैलकुलेट करना है फिर हम a 9 निकाल सकते हैं, और d गिवन है तो s 9 गिवन है हमको, सेंस sn वाला फॉर्मूला, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही वाला लगाओ, s 9 की वैल्यू है s 9 n अपॉन 2, n के प्लेस पे 9 रख दो पहले, ये 9 अपॉन 2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, डी 5 है, अब एस 9 की वैल्यू रख दो, एस 9 इज इक्वल टू 75 और ये 9 अपॉन 2, अभी करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, या यहीं पे कॉमन निकाल कैंसिल कर देंगे, 2a प्लस 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 5, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 8 5 सा 40, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं अंदर से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन निकालिए, a प्लस 20, ये 2 से 2 कैंसल्ड, यहाँ से आ गई अपनी a की वैल्यू, 75 इज इक्वल टू 9
ए प्लस 20, 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो, 75 अपॉन 9 इज इक्वल टू ए प्लस 20, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से कैंसिल कर लो इसको, 3 जा 9, 7 प्लस 5 12 होता है, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 अपॉन 3 हो गए, 25 अपॉन 3 और 20 को शिफ्ट कर लिए, माइनस 20 इज इक्वल टू ए, सो ए को इधर लिख दो और इधर एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम 3, एलसीएम के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 3, 1 से डिवाइड के 3 का इनटू करेंगे 20 में 60, 23 या 60, व्हिच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 25 में से 60 माइनस कर लो, बिगर नंबर के अगेंस्ट माइनस है तो माइनस, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 3, माइनस 35, माइनस 35 अपॉन 3, ये ए की वैल्यू आई, ए हाँ ए की जरूरत थी अपने को, एक आंसर आ गया ए इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3, तो ये ए की वैल्यू आ गई माइनस 35 अपॉन 3, हमको और एक वैल्यू कौन सी चाहिए, ए 9 चाहिए, तो ए 9 के लिए अपने को डी की जरूरत पड़ेगी, ए तो आ गया तो डी गिवन है यहाँ पे, तो डायरेक्ट ए 9 वाला फॉर्मूला रख देते हैं, नाउ ए एन इज इक्वल टू एन के प्लेस पे 9 रख देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो ए 9 इज इक्वल टू ए माइनस 35 अपॉन 3 प्लस एन 9 माइनस 1 इंटू डी, कितना है डी गिवन है क्वेश्चन में, डी इज 5, इसको सॉल्व कर लो तो माइनस 35 अपॉन 3 8 इंटू 5 माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40, एलसीएम ले लो 3, तो माइनस 35 प्लस 1 से डिवाइड 3 का इंटू का 3 4 जा 12 120, 120 से 135 माइनस कर लो, 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस, बिगर नंबर के अगेंस्ट प्लस है तो प्लस, यहाँ से एक बार 10 माइनस 5 करेंगे 5, 11 माइनस 3 करेंगे 8, 85 अपॉन 3, देखो भाई ये ए 9 की वैल्यू, दोनों वैल्यू आ गई अपनी, ए 9 इज इक्वल टू 85 अपॉन 3 और ए इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3, सिक्स्थ वाला पार्ट देखो, गिवन ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90, एन और ए एन आपको फाइंड आउट करना है, तो एन एन ए पी, ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90, तो फाइंड एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो देखो आपको एन कैलकुलेट करना और ए एन कैलकुलेट करना है, ए भी गिवन है और डी भी गिवन है, एन कैलकुलेट करना है पहले, है ना, एन आ जाएगा तो फिर उसके बाद में हम ए एन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एस एन इज इक्वल टू 90 अपने को गिवन है, हम इसका यूज कर लेंगे, तो पहले हमको एन की वैल्यू निकालना है, एस एन इज इक्वल टू 90 का यूज करेंगे तो एन आ जाएगा और एक आंसर आ जाएगा, और उसको यहाँ रख देंगे तो ए एन भी आ जाएगा, तो मैं एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, सेंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी गिवन है हमको तो डी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए और डी गिवन है, वैल्यू रख दो, एस एन इज इक्वल टू 90 एन अपॉन 2, एन कैलकुलेट करना है 2 इंटू ए 2 प्लस एन मिसिंग है माइनस 1 और डी है 8, डी इज 8, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 90 एन अपॉन 2 2 टू जा 4 प्लस 8 इंटू एन माइनस 1, यहां से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर से 4 कॉमन निकाल लो, तो 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 4 कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस 2 बचेगा और एन माइनस 1, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, ऐसा बच गया, इसको सिंपल कर लेते हैं, 2 4 2 2 4, सो विच एम्प्लाइज 90 इज इक्वल टू 2n,
वन प्लस टू का मल्टीप्लाई कर लो, टू एन माइनस टू, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, 90 इज इक्वल टू टू एन, टू एन वन माइनस टू माइनस वन, वन माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, टू एन का इंटू कर लो अंदर, 90 इज इक्वल टू फोर एन स्क्वेयर माइनस टू एन। अभी हर एक टर्म देखो इसकी टू से डिवाइड हो जाती, पहले टू से डिवाइड कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय टू, दोनों साइड में टू से डिवाइड कर लेते हैं, एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय टू, सो दिस इज 45, 4n स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस n, 45 को उधर शिफ्ट कर लो, तो 2n स्क्वायर माइनस n उधर ही है, और ये 45 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, इसमें x के प्लेस पे n है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थी, एक थी आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो पहले अपन देख लेते हैं कि अगर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर देते हैं, और नहीं तो फिर आप उससे कर सकते हैं, कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म माइनस एन, इसको दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करो कि उनको मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन्स 45 टू 90 एन स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, और दोनों को प्लस करने पर माइनस एन आ जाए। अब इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन सम नेगेटिव है इसलिए बिगर नंबर नेगेटिव होगा और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव होगा। तो अब दो नंबर ऐसे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 90 एन स्क्वायर आ जाए और प्लस करने पर माइनस एन आ जाए, बड़ा नंबर नेगेटिव होना चाहिए, 9n और 10n, हाँ माइनस 10n और प्लस 9n ले ले, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 90 एन स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस एन हो जाएगा। और किसी को अगर ये सोचते नहीं बन रहा है तो वो प्राइम फैक्टर्स निकाल के देख सकता है, और उससे भी नहीं हो रहा तो फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकता है। तो ये 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, माइनस 10n में प्लस 9n का इंटू करेंगे तो माइनस 90n स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को प्लस करने से माइनस n हो जाएगा, व्हिच इंप्लाइज इन दोनों में से 2n कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस 5, थर्ड टर्म का साइन प्लस है तो प्लस कॉमन, 9n और 45 में से 9 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 का ब्रैकेट कॉमन निकाल दो, n माइनस 5 कॉमन, सो 2n प्लस 9 लेफ्ट। अब आइदर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5 और 2n इज इक्वल टू माइनस 9, और n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2, बट n इज नॉट इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2, n जो है वो माइनस 9 अपॉन 2 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका रीजन लिख देते क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव, ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है, एज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती वो, और ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शनल भी है, सो देयर दैट इज व्हाई इट इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5 ऑन, एक आंसर आएगा n इज इक्वल टू 5, n कैलकुलेट करना था कि अपने को देख लो, हाँ n अपने को कैलकुलेट करना था, एक आंसर आ गया अपना 5। अब n आने के बाद अपन बच्चे वाला क्या है, ए एन, अब ए एन निकाल सकते हैं, एन आ गया अपने पास, ए भी है और डी भी है, नाउ ए एन इज इक्वल टू, ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कैलकुलेट करना है, ए कितना है देखो, ए है 2,
एन अभी निकाले हमने 5 माइनस 1, और डी कितना है, डी भी गिवन है हमको 8, ये डी 8, डी को 8, इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, 2 प्लस 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34, सो ए एन इज इक्वल टू 34, ये ए एन आ गया हमारा, बस ये आंसर हो गया। ऐसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है बीच बीच में कभी कैलकुलेशन में कहीं पे, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को, और कभी जैसे आपसे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, कोई दिक्कत हो रही, तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है अपने पास में, उससे कर सकते हैं। और उसके बाद भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं होगी, उस कंडीशन में यू कैन गो थ्रू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज नथिंग बट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ए वाला फॉर्मूला यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और खास करके जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात रहेगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव आ जाए तो उसको रिजेक्ट कर दो, फ्रैक्शनल आ जाए तो उसको रिजेक्ट कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कंप्लीट नंबर में होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट पार्ट, गिवन ए इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 210, एन और डी आपको कैलकुलेट करना है। चलो फटाफट करो, एन एन ए पी, ए इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 210, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देख लो अपने को एन और डी कैलकुलेट करना है, तो जो चीज गिवन है उसके बेस पे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो हमको ए की वैल्यू गिवन है और ए एन गिवन है और एस एन गिवन है, तो एक बार पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक बार एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, कुछ इक्वेशन वगैरह बनेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो एन और डी की वैल्यू आ जाएगी। सेंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन 62, ए 8 प्लस एन मिसिंग है और डी भी मिसिंग है, 62 8 को शिफ्ट करो, माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, 62 माइनस 8 12 माइनस 8 4, 54 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से डी की वैल्यू निकाल लो एन के टर्म में, 54 अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल टू डी, इसको एक इक्वेशन दे दो, अपने को आखिरी में एन और डी दोनों की वैल्यू निकालना है, एन आ जाएगा तो उसको यहाँ रख देंगे तो डी, और डी आ गया तो एन की वैल्यू। अब एक कंडीशन और है अपने पास, एस एन इज इक्वल टू 210, सेंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन की वैल्यू है 210, रखो 210 इज इक्वल टू एन मिसिंग है अपना एन अपॉन 2, 2a की वैल्यू गिवन है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 अपॉन एन माइनस 1, रख देता हूं मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ से अपना एन आ जाएगा ना, फिर ये वाली वैल्यू रख दू डी की, 54 अपॉन एन माइनस 1 रख देता हूँ, 54 अपॉन एन माइनस 1, ऐसा हो गया यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखी हमने, ये एन माइनस 1 एन माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, एन टू में 210 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 8 टू जा 16 प्लस 54, 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 5 6 1 7, 70 हो गया, 2 से कैंसिल कर लो, 35 टाइम, 35 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 210, 35 n, सो n इज इक्वल टू 210 अपॉन 35, 5 7 जा 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 0, 5 6 जा 30, एन इज इक्वल टू आ गया अपना 6,
एन इज इक्वल टू 6, ये एक आंसर तो आ गया। अब एन आ गया, इसको इक्वेशन वन में रख दो यहां पर, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 54 अपॉन एन माइनस वन, 54 अपॉन एन माइनस वन इज इक्वल टू डी, रख दो यहां पे एन की वैल्यू। 54 अपॉन 6 माइनस वन इज इक्वल टू डी, तो 6 माइनस वन 5 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। देखो भाई डी की वैल्यू और ये आ रही कि नहीं, डी से निकालना था ना अपने को डी और एन, ये भी आंसर हो गया। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 इन एनएपी पार्ट 8, गिवन ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू माइनस 14, फाइंड एन एंड डी इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए एन इज इक्वल टू nth टर्म 4, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 2, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज इक्वल टू माइनस 14, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म और ए, फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है। तो देखो ए एन इज इक्वल टू 4 गिवन है और डी गिवन है, तो ए और एन चाहिए हमको, एक एस एन भी चाहिए। चलो ए एन वाला फॉर्मूल लगाओ, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह है एन टर्म का फॉर्मूला। ए एन हमारे पास में 4 है, ए मिसिंग है, प्लस एन भी मिसिंग है माइनस वन, और डी आपका 2 है। सो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, 2 को इधर शिफ्ट कर लो, 4 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा a प्लस 2n, और इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 2n को इधर लिख लो इज इक्वल टू 6। इसको एक इक्वेशन देके छोड़ दो ना। आप एक sn की वैल्यू गिवन है हमको, sn है ना, sn वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए एन के टर्म वाला, ए एन की वैल्यू भी गिवन है, सेंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, तो एस एन कितना है माइनस 14, माइनस 14, एन तो कैलकुलेट करना है एन अपॉन टू ए, ए की वैल्यू हम यहां से रख देते हैं। ये देखो ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6 है, तो 2n को इधर शिफ्ट कर देते हैं, सेंस ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n रख देता हूं इसके प्लेस पे, ए के प्लेस पे 6 माइनस 2n, और ए एन की वैल्यू हमको गिवन है ए एन इज इक्वल टू 4, 4 ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस 4। देखो अब ये पूरा n में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ, जो n की वैल्यू आएगी उसको उठा के यहाँ रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, अपने को a और n चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 14 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 6 प्लस 4 टेन, माइनस 2n, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो कैंसिल हो जाएगा नीचे का, माइनस 14 इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू 2 कॉमन निकाल लिए तो 5 माइनस n, ये 2 से 2 कैंसल्ड, विच एम्प्लाइज माइनस 14 इज इक्वल टू n इंटू 5 माइनस n, ब्रैकेट खोल दो, माइनस 14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर, शिफ्ट करके इधर ले आओ, माइनस n स्क्वायर विल बिकम प्लस n स्क्वायर, माइनस 5n माइनस 14 इधर का इधर, ये इज इक्वल टू 0। देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
आप इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, अगर हो जाती है तो ठीक है। माइनस फाइव एन को दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन्स माइनस फोर्टीन एन स्क्वायर आ जाए और प्लस करने पर माइनस फाइव है। अब इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, बट सम नेगेटिव है तो बिगर नंबर नेगेटिव होगा। तो माइनस सेवन एन ले लो और प्लस टू एन ले लो। माइनस सेवन एन में टू एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर्टीन एन स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को प्लस करने से माइनस फाइव है। एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस टू एन माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। देख लो चेक करके, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर्टीन एन स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस फाइव है। दो दो में से कॉमन निकाल लो, एन कॉमन एन माइनस सेवन प्लस टू कॉमन एन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, विच एम्प्लाइज टेक आउट दिस फैक्टर एन माइनस सेवन कॉमन। तो एन माइनस सेवन कॉमन, यहाँ एन बचा और ये प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आइदर दिस इक्वल टू जीरो आर दिस इक्वल टू जीरो, आइदर एन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो और एन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, विच एम्प्लाइज एन इज इक्वल टू माइनस सेवन को शिफ्ट करेंगे तो प्लस सेवन और एन प्लस टू को शिफ्ट करेंगे तो माइनस टू। तो अब यहाँ देखो एन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, कैन नॉट बी नेगेटिव, बट एन इज एन कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस टू। रीजन एज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए वो रिजेक्ट हो गई। तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू सेवन, ये एक आंसर आ गया आपका, ये एक आंसर आया हमारा। अब इस एन की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ तो ए की वैल्यू आ जाएगी, हमको ए भी निकालना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो फर्स्ट इक्वेशन में। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, ए प्लस टू एन इज इक्वल टू सिक्स, ए प्लस टू एन इज इक्वल टू सिक्स, ए प्लस टू एन सेवन है इज इक्वल टू सिक्स, इसको सॉल्व कर लो। सो विच एम्प्लाइज ए प्लस सेवन टू जा फोर्टीन इज इक्वल टू सिक्स, ए इज इक्वल टू सिक्स, फोर्टीन को शिफ्ट करेंगे तो माइनस फोर्टीन, ए इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस सिक्स माइनस एट, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई, एक आंसर आपका ये हो गया। ए इज इक्वल टू माइनस एट, एन इज इक्वल टू सेवन। चलिए नाइन नंबर का पार्ट देखिए इसका। गिवन इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गिवन ए इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू एट, एस इज इक्वल टू 190, डी फाइंड आउट करना है। एन एन ए पी, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू एट और एस इज इक्वल टू 192 ना। सो कैलकुलेट क्या करना है, डी, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो एस की वैल्यू गिवन है, ए की गिवन है, एन की गिवन है, डी निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में एस एन का, सेंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, रख दो इसमें वैल्यू एस एन या एस आपको 192 दिया है, एन एट अपॉन टू, टू ए की वैल्यू थ्री है प्लस एन एट माइनस वन और डी आपको कैलकुलेट करना है, बस इसको सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी सीधा, करो इसको सॉल्व। टू फोर जा एट, विच एम्प्लाइज 192 इक्वल टू, यहाँ फोर बचा, टू थ्री जा सिक्स प्लस एट माइनस वन सेवन, फोर को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो, 192 अपॉन फोर इज इक्वल टू सिक्स प्लस सेवन डी, ये कैंसिल हो जाएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन, थ्री बचेगा फोर एट जा थर्टी टू, 48 टाइम, विच एम्प्लाइज 48 सिक्स को शिफ्ट कर लो, माइनस सिक्स इज इक्वल टू सेवन डी,
8 माइनस 6 2 4 42 इज इक्वल टू 7 डी सो डी इज इक्वल टू 7 से डिवाइड कर लो डी इज इक्वल टू 42 अपॉन 7 6 जा 42 सो डी इज इक्वल टू 6। देखिए ये सीधा ही आंसर आ गया इसका। कभी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर सीधा आ जाता है दो चार स्टेप के अंदर सीधा एक ही बार सॉल्व, कभी कभी लंबा जाता है सॉल्व करना, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है ना। ये कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहते थे कम मार्क्स के रहते, कभी ज्यादा कैलकुलेशन वाले आ जाए तो फिर वो थोड़े ज्यादा मार्क्स के आ जाते। गिवन एल इज इक्वल टू 128 एस इज इक्वल टू 144 सम है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स एन की वैल्यू 9 है तो फाइंड ए एन एन ए पी एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म 28 सम एस इज इक्वल टू 144 देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू 9 सो ए इज इक्वल टू व्हाट। तो एल गिवन है एस गिवन है एन गिवन है और ए आपको कैलकुलेट करना है, तो अपने पास में ए प्लस एल वाला फॉर्मूला है एस में वही वाला लगा देते हैं डायरेक्ट। सेंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, एल की वैल्यू गिवन है तो ये वाला लगा दो, ये यहाँ से निकल जाएगा। एस एन गिवन है 144 एन 9 अपॉन टू ए हमको कैलकुलेट करना है और एल गिवन है 28, बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। करो इसको सॉल्व, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 144 इंटू 2 अपॉन 9, 9 अपॉन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन 9 हो गया, इधर a प्लस 28 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बन जा 9 5 बचेंगे 9 प्लस 5 14 54 9 6 जा 54 होते हैं ना 9 6 जा 54 16 टाइम सो एट दिस इज 16 इंटू 2 32 और ये 28 को इधर सेट कर लो माइनस 28 इज इक्वल टू ए 32 माइनस 28 4 ये आंसर हो गया आपका 4 ए इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब ये इसके 10 पार्ट्स है ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 7 9 17 25 डॉट डॉट मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 630 से। वो बोल रहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी टर्म्स का सम 636 है, तो हम सपोज कर लेते कि एन टर्म का सम है ये 636, मतलब इसको एस एन ले लेते हैं। जब हम इसको एस एन ले लेंगे तो हमको एन की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे ए एन कैलकुलेट करते थे ऐसा एस एन कैलकुलेट, एस एन सपोज कर लेंगे, वहाँ ए एन सपोज करते थे अपन एन टर्म, यहाँ पर एस एन सपोज करके एन की वैल्यू निकाल लेते। 9 17 25 डॉट डॉट ये है आर इन ए पी, ये गिवन है आपको कि ए पी में है। Here a is equal to 9, first term. Common difference d is equal to second term minus first term. Second term 17 minus 9. 17 minus 9 करेंगे तो 8 है ना? 17 minus 9 8. और इसको suppose कर लेते हम Sn. Let Sn is equal to 636. तो हमको n calculate करना है. तो आप direct a और d given है अपने को Sn वाला formula रख दो. Since Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, रख दो Sn की वैल्यू, Sn है 636, n upon 2, n कैलकुलेट करना हमको, 2 into a 9, plus n missing है minus 1 into d, d कितना है 8, इसको सॉल्व कर लो, उसको वहीं पे अपन कैंसिल कर लेंगे 636 n अपॉन 2, यहां से 2 कॉमन निकाल लो दोनों इसमें से और इसमें से, तो 2 कॉमन निकाल लेते पहले, ये 2 कॉमन निकाल लिए तो यहां बच जाएगा आपका 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 बचेगा, 2 कॉमन निकाल दिए हमने, बाद में भी निकाल सकते थे हमने पहले निकाल दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 636 n इंटू ये 9 4 का इंटू कर लो इसमें 4n माइनस 4 636
एन इंटू फोर, 9 माइनस 4 5, 6 36 इज इक्वल टू, ये 9 माइनस 4 5 प्लस 4n, सो मल्टीप्लाई कर लो n का, 5n प्लस 4n स्क्वायर, इधर शिफ्ट करके ले आओ या 636 को उधर कर दो, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 हो जाएगा। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो अब मिडिल टर्म इसकी 5n है और ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप चाहे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, नहीं तो फॉर्मूला मेथड आपके पास है, फॉर्मूला मेथड से कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है अपने पास, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 636 और x इज इक्वल टू n है यहाँ पर। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव कर रखे अपन ने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, रखो इसके अंदर वैल्यू, x को n रख दो, माइनस बी की वैल्यू 5 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है 5 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू भी 4 है और सी की वैल्यू है माइनस 636 अपॉन 2a, 2 इंटू ए 4 है, कर दो इसको सॉल्व तो n की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 636 अपॉन 8, बड़ा नंबर आएगा, हम तो घबराओ मत मल्टीप्लाई करने से, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ये 25 प्लस 16 का इंटू करो, 16 6 क्या कितना होता है 96, 6 9 बचा, 16 3 जा 48, 48 प्लस 9 57, 7 5, 16 6 जा 96, 96 प्लस 5 101, 10176 अपॉन 8, ये माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस करो इसमें 5 और 6 11, 7 टू 9 1 10, 10 हो गया ना, 1 बचा, 1 और 1 2 0 1, 10201 अपॉन 8, अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 10201, 101, 101 101 इंटू 101 करेंगे तो इतना आ जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8, देखो 101 इंटू 101 करके बता देता हूँ आप, 101 इंटू 101 10201, एक बार प्लस साइन ले लो टेकिंग पॉजिटिव साइन, सो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8, इसको सॉल्व करो, यहां से 11 माइनस 5 6 और ये 9, 96 अपॉन 8, 4 से कैंसिल कर लो, 8 से ही हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सो x इज इक्वल टू 12, x के प्लेस पे n है अपने ना, n चल रहा है, ये n लिखो इसको, मैंने n लिए ना, n इज इक्वल टू 12 आ गया, एक बार नेगेटिव साइन ले लो, टेकिंग नेगेटिव साइन, n इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8 माइनस 106 अपॉन 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा माइनस 53 अपॉन 8, 53 अपॉन 4, सो ये हो गया माइनस 53 अपॉन 4 n की वैल्यू, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू हो नहीं सकती, बट n इज नॉट इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, रीजन इसका एज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव, एज नंबर ऑफ टर्म्स कैनॉट बी इन
फ्रैक्शन और नेगेटिव, ना तो वो फ्रैक्शनल हो सकती है और ना ही वो नेगेटिव हो सकती है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। देयरफोर एन इज इक्वल टू 12 ओनली, याद है ना 12, ये आपका आंसर हो गया, एन इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ टर्म जो है वो 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स एन कैलकुलेट करना और कॉमन डिफरेंस डी कैलकुलेट करना है। एन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या क्या गिवन है, एन एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 45, सम एस एन इज इक्वल टू 400, एस भी बोल सकते हो उसको, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स एन कैलकुलेट करना है एंड कॉमन डिफरेंस डी कैलकुलेट करना है। अब एल गिवन है और एस एन गिवन है, ए गिवन है, एन निकालना, तो एस एन वाला फॉर्मूला एल के टर्म वाला रख दो, सेंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू फर्स्ट वाला फॉर्मूला ए प्लस एल, एस एन 400, एन मिसिंग है, एन अपॉन टू ए 5 और एल है आपका 45। इसको सॉल्व कर लो, ये 400 एन अपॉन टू इंटू 50, 2 से 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 25n, 25 को से डिवाइड कर लो इसको, 400 अपॉन 25, 5 से कैंसिल कर लो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0 5 से और कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 टाइम n इज इक्वल टू तो आ गया अपना 16, ये एक आंसर आ गया आपका, n इज इक्वल टू 16। अब क्या निकालना हमको, d निकालना है, l वाला फॉर्मूला अपने पास डायरेक्ट, सेंस एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, वैल्यू रख दो, एल एल कितना 45, ए ए है 5 प्लस एन 16 निकाले हमने, माइनस वन और डी आपको कैलकुलेट करना है, 45 5 को शिफ्ट करो इधर, माइनस 5 16 माइनस वन 15, डी 45 माइनस 5 40 हो जाएगा अपॉन 15, 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इज इक्वल टू डी, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, डी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, ये आंसर, एक आंसर आ गया डी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 और एक आ गया एन इज इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, How many terms are there and what is their sum? How many terms are there मतलब n and what is their sum? Sn. आपको n भी निकालना है और Sn भी निकालना है. First term given है. First and last term of AP are 17 and 350 respectively. Means first term A is equal to 17, last term L is equal to 350. Common difference 9 है. तो n n AP लिख लो जो जो चीज given है. n n AP फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 350, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 9, सम हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड देयर सम एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो एन निकाल लो, एन के बाद में एस एन निकाल ले, तो देखो एन निकालने के लिए एल गिवन है और ए गिवन है और डी गिवन, तो एल वाला फॉर्मूला लगा दो, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एल अपना 350 हो जाएगा, ए 17 एन माइनस वन डी 9, 350 माइनस 17 9 इंटू एन माइनस वन, 350 में से 17 माइनस 10 माइनस 7 करेंगे 3, 4 बचा 4 माइनस 1 3 और ये 3, 333 अपॉन 9 कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके n माइनस वन, ये
नाइन से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नाइन से, नाइन थ्री जा 27, थ्री थ्री सिक्स 63, नाइन सेवन जा 63, 37 टाइम कैंसिल हो जाएगा। टेबल ठीक से पढ़ना भाई, 37 माइनस वन को शिफ्ट करो प्लस वन इज इक्वल टू एन, सो एन इज इक्वल टू 38। ये आ गई आपकी एन की वैल्यू, एक आंसर तो हो गया। आप क्या निकालना हमको एन के बाद में, एस एन निकालना, तो डायरेक्ट एस एन का एल के टर्म वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला रख देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। बस एक वैल्यू यदि आपके पास आ गई तो बाकी की वैल्यू आसानी से आ जाती है। एस एन कैलकुलेट करना है, एन 38 अपॉन टू ए कितना है 17 प्लस एल 350, एल 350 देख के वैल्यू रखेंगे आराम से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 टाइम कैंसिल हो गए, ये 19, इसमें 17 प्लस करो, 7 प्लस 0 7, 3 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 367, 19 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो देखो 19 7 जा 133, 3 13 बचेगा, 19 6 जा 114, 114 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 13 17, 27, तो 27 27 का 7 और ये 12 बचा। 19 3 जा 57, 57 प्लस 12 कितना हो जाएगा 59, 69, 6973, देखना भाई इतना आंसर आ रहा कि नहीं, ये एस एन आ गया अपना 6973 और एन 38। चलिए सिक्स वाला तो हो गया अपना, सेवन नंबर का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149, जैसा गिवन है वैसा लेंगे। इन एन एपी क्या बोल रहा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन, मतलब ये फाइंड आउट करना है S22, तो S22 के लिए अपने को A की और D की जरूरत पड़ेगी। इन विच D इज इक्वल टू गिवन है 7 एंड 22nd टर्म A22 इज इक्वल टू 149 गिवन है। तो पहले A22 की हेल्प से अपन A निकाल लेते हैं, है ना, सिंस A22 को क्या लिख सकते, डायरेक्टली लिख देते हैं हम यहाँ पे A22 को, A प्लस 21D इक्वल टू 149। देखो एस 22 के लिए डी तो अपने पास में ये चाहिए, बस ये वाले फॉर्मूले से हुआ, ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डायरेक्ट 20, आप इसमें वैल्यू रख दो, डी गिवन है अपने को ना, ए ही तो निकालना है, ए प्लस 21 और डी कितना है 7, 149। यहाँ से आपका ए आ जाएगा, 71 जा 7, 72 जा 40, 149, ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147, 147 को शिफ्ट कर दिया इधर, सो ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147, 2 ओनली। अब ए भी है डी भी है, अब एस 22 निकालना है आपको डायरेक्ट, सो सेंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस, कौन सा फॉर्मूला रख दे, ए 22 का भी है अपने पास में, ए 22 की वैल्यू है तो ए एन वाला रख देता हूँ, डी वाला भी रख सकते हैं आप, डी वाला भी रख सक, वो हाँ डी वाला भी रख सकते हैं, कौन सा रखो, डी वाला रखूँ या ए एन वाला रखूँ, ए तो लग नहीं था आपको, डी ए निकाल लिया अपन ने, मैं ए एन वाला रख देता हूँ। अब एन के प्लेस पे 22 रखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू, इसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगा अपने, एस 22 एन 22 अपॉन टू ए आपका 2 है और ए 22, एन के प्लेस पे 22, अब ए 22 की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है अपने 149, और किसी को अगर ये नहीं रखना है तो वो ए प्लस 2 ए प्लस एन माइनस 1 टू डी वाला रखे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 11 टाइम, 11 2 प्लस ए 22 की वैल्यू है अपने पास में 22nd टर्म 149, रख दो 149, 11, 151, ये अब 151 का 11 में मल्टीप्लाई करना है, तो अब 11 के टेबल की जरूरत पड़ेगी, अब 11 का टेबल तो आसान है क्योंकि सबको ही आता है,
11 वन जा 11, 11 फाइव जा 55 और 1, 56, 6, 5 बचा, 11 बन जाए 11 और 5 कितना 16, 1661 इतना होगा भाई आंसर, 1661। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हूज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। एपी है आपका, इन एपी में क्या क्या गिवन है वो देख लो, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, सब चीज लिखा हुआ है उसमें। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हूज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 आर रेस्पेक्टिवली, ये फाइंड करना आपको एस 51, जैसा अभी अपन ने किए थे, तो एस 51 आपको फाइंड आउट करना है, 51 टर्म का सम फाइंड आउट करना है ऑफ एपी हूज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को अपन A2 बोलते हैं, A2 कितना 14, एंड थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को अपने यहाँ पे A3 बोलते हैं, A3 कितना 18। ये तो हमको S51 कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि S51 कैलकुलेट करने के लिए हमको A की और D की जरूरत पड़ेगी, है ना, A और D की जरूरत पड़ेगी, तो हम A और D निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर तो कंटिन्यू टर्म दी हुई है ना, A3 और A2, तो मैं A3 में से अगर A2 को माइनस कर दे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, D आ जाएगा, और A2 को अपन A+D लिख सकते हैं, है ना, तो उससे अपना A आ जाएगा। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन, सेंस डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, जैसे A2 माइनस A1 करते हैं ऐसा A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस कर सकते हैं, थर्ड टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म सेकंड टर्म को माइनस कर रहे हैं। तो A3 गिवन है 18, A2 गिवन है 14, 18 माइनस 14 4, ये डी तो आ गया अपने पास में, अब हमको A चाहिए, तो A यहां से निकल जाएगा, A2 इज इक्वल टू 14 है, सेंस A2 इज इक्वल टू 14, और A2 को हम A+D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A+D। A की वैल्यू निकालना है, D अपन ने अभी निकाले 4 इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू 14, 4 को एक्सेप्ट करें तो -4, सो A इज इक्वल टू आ गया 10। अब A भी आ गया आपके पास में, D भी आ गया आपके पास में, अब आपको S51 निकालना है, डायरेक्ट निकाल सकते 2A+N-1 × D। S51, ये 51 रख दो इसमें वैल्यू, n के प्लेस पे 51 अपॉन 2, 2 इंटू ए 10 प्लस n 51 माइनस 1, और d कितना निकला था हमारा 4। इसको सॉल्व कर दो, ये 51 अपॉन 2, 2 10 जा 20 प्लस 50 माइनस 1, 51 माइनस 1 50 इंटू 4, यहाँ से 4 कॉमन आ जाता है, 51 अपॉन 2 इंटू 4 को कॉमन निकाल लो, यहाँ 4 5 जा 25 बचेगा, ये 4 निकल गया तो 50 बचा, 2 2 जा 4, 51 2 जा 102 हो जाएगा ये, और ये 55। अब देखो 55 का इसमें फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 102 इंटू 55, ये आ गया आपका 5610, इतना होगा उसकी 51 टर्म्स का। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग दिस, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मींस H7 इज गिवन 49 एपी में एंड दैट ऑफ 17 टर्म 289, और 17 टर्म का जो सम है S17 वो 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो उसकी फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करें, एन टर्म्स का सम मींस SN कैलकुलेट करना है, और SN कैलकुलेट करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, A की और D की, फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। तो आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है इसमें और कॉमन डिफरेंस भी गिवन नहीं, तो पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों निकालेंगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2, 2A+N-1 × D वाला, है ना, थर्ड वाला फॉर्मूला। इन एन एपी, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स H7, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को H7 बोल सकते, इज इक्वल टू 49 एंड दैट ऑफ H17, H17 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है, 289. So find the sum of first n terms. SN
इज इक्वल टू पुट क्वेश्चन मार्क, ये पूरा क्वेश्चन लिख गया। सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स 49, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स 289, सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो मैंने फर्स्ट सेवन टर्म के सम को S7 इज इक्वल टू 49 लिखा है, फर्स्ट 17 टर्म्स के सम को 289 लिखा है और SN आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया आपको SN फाइंड आउट करने के लिए A और D चाहिए। सेंस SN वाला फॉर्मूला N अपॉन 2 प्लस N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम A और D निकालेंगे। आप SN को अपन S7 लिख देते हैं, एन के प्लेस पे 7 रख दी, इधर भी रख दो, 7 अपॉन 2 इंटू ए आपको कैलकुलेट करना है, एन 7 है माइनस 1 और डी भी आपको कैलकुलेट करना है। अब S7 की वैल्यू गिवन है आपको, S7 इज इक्वल टू गिरा, S7 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 6 डी, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ जाएगा, सो 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन निकाले, a प्लस 3d, यहाँ a बच गया और यहाँ 3d बच गया, ये 2 2 गेट्स कैंसल्ड। इसको सिंपल करके लिखते हैं थोड़ा, 49 ये 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, a प्लस 3d, 7 का टेबल, 7 7 जा 49, सो ये वाली टर्म को इधर लिख लो, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब ऐसा ही एक इक्वेशन और बनाएंगे, किससे, S17 से। अब n के प्लेस पे इसी फॉर्मूले में 17 रख देते हैं यहाँ पर, और S17 के प्लेस पे 289 रख देंगे, एंड S17 इज इक्वल टू N17 अपॉन 2 2a प्लस n के प्लेस पे 17 माइनस 1 इंटू d, और S17 की वैल्यू अपने पास में है 289, इसको रख देता हूँ 289, 17 अपॉन 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 16d हो जाएगा, 17 माइनस 1 16d होगा, इसको सॉरी यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2, यहां से 2 कॉमन निकाल लिए ब्रैकेट से, तो ये बच जाएगा a प्लस 8d बच जाएगा, 2a में से 2 निकाले थे a और 16d में से 2 निकाले थे 8d, ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो, 289 और ये 17 को नीचे ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, a प्लस 8d, 17 का स्क्वायर ही होता है ये ना, 17 का स्क्वायर 289, 17 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 से लेके 30 तक के आपको स्क्वायर याद रखना है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841 और 30 स्क्वायर 900। कम से कम ये 30 तक के आप स्क्वायर याद कर लेंगे तो उससे आपको स्क्वायर रूट में भी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, तो कर लेंगे मैंने जो बोला है। 17 को जस्ट उस साइड में लिख देते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड, देखिए इक्वेशन 1 और 2 ये दो सिंपल सिंपल इक्वेशन आ गए आपके पास में, दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल लेते, a और d आने के बाद में अपन sn निकाल सकते हैं।
तो यहां देखो ये ए दिख रहा है, ये भी ए दिख रहा है, ये 17, ये 7 है ना, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते, इसके साइन चेंज होंगे तो माइनस ए हो जाएगा, प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, ए फिनिश हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, फर्स्ट में से भी कर सकते सेकंड को फ्रॉम, लेकिन ये बड़ा दिख रहा है इसलिए मैं इसको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, बड़े में से छोटे। सेकंड इक्वेशन ए प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ए प्लस 3d इज इक्वल टू, इसको माइनस कर रहे हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन को, इसके साइन चेंज कर दो, नेगेटिव टू नेगेटिव, ड्रॉ लाइन, ए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल्ड, 8d माइनस 3d 5d, 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 7 करेंगे तो 10, तो d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू सा 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, d इज इक्वल टू आ गया 2। ये d की वैल्यू का यूज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देते तो a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एन इक्वेशन फर्स्ट, क्या फर्स्ट इक्वेशन उसको लिख लेते हैं, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो ए प्लस 3 और d इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू 7, ए प्लस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 7, 6 को शिफ्ट करो माइनस 6, सो ए इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1, ये आप ए भी आ गया आपके पास। अब ए और डी आने के बाद आपको रुकना नहीं है, डायरेक्ट एस एन कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, नाउ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रख दो इसके अंदर वैल्यू, n के प्लेस पे n ही रहेगा क्योंकि n टर्म का सम निकाल रहे हैं, 2 इंटू ए, ए है 1, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है 2, बस इसको सॉल्व कर दो, n अपॉन 2 ये 2 प्लस 2 को कॉमन निकाल देंगे, अपन ब्रैकेट मत खोलो, 2n माइनस 1 कॉमन निकाल देते, नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल दो, n अपॉन 2 इंटू 2, तो यहाँ से 2 निकल गया तो 1 बचा, यहाँ से 2 निकल गया n माइनस 1 बचेगा, है ना। अब ये 2 2 कैट्स कैंसल्ड, माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसल्ड हो गया, क्या बचा आपके पास, एन और ब्रैकेट में बचा एन, एन इंटू एन, एन स्क्वेयर, ये आंसर हो गया आपका, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, ये आंसर, यह है फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शो दैट ए वन कॉमा ए टू डॉट डॉट ए एन फॉर्म एन ए पी वेयर एन इज, ए एन इज डिफाइंड एज बिलो, दो पार्ट है, एक है ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n और सेकेंड है ए एन इज इक्वल टू 9 - 5n, और आगे और बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और दोनों केसेस के अंदर आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी फाइंड आउट करना, मतलब एस 15 भी कैलकुलेट करना है, इस केस में भी और इस केस में। तो पहले ये जो प्रूफ करने का बोल रहा है इसको प्रूफ करेंगे, फिर बाद में 15 टर्म का सम निकालेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए, दो क्वेश्चन है इसमें अलग अलग। तो देखो क्या बोलता है कि शो दैट ए वन कॉमा ए टू डॉट डॉट ए एन फॉर्म एन एपी, इसको एपी में प्रूव करना है आपको। अब ये एपी में कब होगा, ये एपी में जब होगा जब इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, वो अगर इक्वल आएगा तो ये एपी में हो जाएगा, और जब ये एपी में आ जाएगा तो फिर उसके 15 टर्म्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले जो प्रूव करना है मैं उसको लिख लेता हूँ, आर टी पी लिख दिया मैंने, रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए वन ए टू, एक और लिख देता हूँ मैं ए थ्री, उसने दो ही लिखा है, मैंने एक बढ़ा के लिख दिया, लिख सकते हैं अपन ए एन
फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी, ये ऐसा डॉट डॉट लगा के एपी में ऐसा लिखा, ये ए एन पे लास्ट टर्म होगी इसके, इसके आगे टर्म नहीं है, इससे आप वो ना हो, कंफ्यूज ना हो कि तीन डॉट लगे थे इसके आगे और टर्म होगी, नहीं ये एनी टर्म है इसके अंदर, ये ऐसे ही फॉर्म एन एपी के लिए ऐसा वो कर दिया उसने कि ये एपी एपी को फॉर्म कर रही है। ए एन इज इक्वल टू कितना गिवन है फर्स्ट केस में, ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n, ये nth टर्म गिवन है। अब आपको मालूम है कि nth टर्म के लिए ए एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसी आ जाएगी, तो देयर फोर ए वन इज इक्वल टू एन के प्लेस पे 1 रख दो तो 3 + 4 × 1, इसको सॉल्व करो 3 + 4 बन जाओ 4, 3 + 4 = 7, सेकेंड टर्म निकाल लो ए टू एन के प्लेस पे 2 रख दो इसी में तो 3 + 4 × 2, 3 + 4 = 8, 8 + 3 = 11, फिर 3 भी रख दो एन इज इक्वल टू 3, 3 + 4 एन के प्लेस पे रखना है 3, 3 4 3 = 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा 50, और फिर डॉट डॉट तीन तीन डॉट और निकाल सकते हैं अपन, लेकिन अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, है ना। एन टर्म भी निकाल सकते हैं अपन, ए एन इज इक्वल एन के प्लेस पे एन रख देंगे तो 3 + 4n वही आ जाएगा, है ना, ये एन टर्म आ गया। अब ये जो ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन, ये जो है ये ए पी को फॉर्म कर रहा है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। सो डी निकाल लेते हैं, डी इज इक्वल टू होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू डॉट डॉट, ए टू की वैल्यू अपने पास में है 11, माइनस ए वन है 7, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री 15 माइनस ए टू 11, ए टू 11 इज इक्वल टू 3 डॉट्स, विच एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 7 माइनस 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4 इज इक्वल टू 3 डॉट्स, देखो 4 इक्वल टू 4 दिख रहा, 4 4 के इक्वल, सो क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, और यू नो इफ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल देन द लिस्ट फॉर्म एन एपी, देयरफॉर ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन फॉर्म एन ए पी, बस हैंस प्रूफ, यह प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया क्या किया मैंने, ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू निकाल लिया जो ए एन गिवन था, उसके बाद डी के लिए अपने पास में फॉर्मूला अपन याद यूज कर ही रहे हैं शुरू से, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, कॉमन डिफरेंस इक्वल दिखा तो लिखती है कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन फॉर्म एन ए पी, ए पी फॉर्म कर रहे हैं, हो गया ये प्रूफ। अब ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, हर एक केस में आपको फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट 15 टर्म के सम के लिए ए की जरूरत पड़ेगी और डी की जरूरत पड़ेगी। नाउ ए वन इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, और ए वन की वैल्यू कितनी है निकाले हमने, ए वन की वैल्यू है 7, कॉमन डिफरेंस भी निकाल चुके हम 4, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सो एस एन वाला फॉर्मूला रख दो, एन अपॉन टू 2a + n - 1 × d, सो देयरफॉर एस 15, एन इज इक्वल टू 15 रखो, 15 अपॉन टू 2 × a 7 + n 15 - 1 × d, सिंप्लीफाई दिस, दिस विल बी अवर आंसर, 15 अपॉन टू 7 2 = 14,
प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4, यहां से 14 कॉमन निकाल देता हूं मैं, मल्टीप्लाई करने से अच्छा कॉमन, किसी ने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर नहीं करना चाहिए, जब कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही तो कॉमन निकालो, 14 में से 14 कॉमन निकाले तो 1 बचा, यहां से 14 निकल गया 4 बचेगा, 2 7 जा 14, बस 15 इंटू 7 इंटू 5, 15 7 जा 105 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 525, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, कितना 525। तो ये वाला कर लेंगे भाई सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, ये वाला पार्ट आप कर लेना, बस सेम ऐसे ही करना आपको, देखो क्या करना उसमें, मैं हिंट बता रहा हूँ, हिंट बता रहे, तो ये ए एन के प्लेस पे ये वाला ए एन लिख देना, ये है ना, और उसके बाद में ए वन ए टू ए थ्री एन ऐसे निकाल लो सेम, और डी निकाल लो ऐसा कैसे, ये सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा, ए पी में प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद में ए वन इजिकल टू ए डी लिख दो, एस एन वाला फॉर्मूला का एस 15 निकाल लो, कैलकुलेशन के बाद वो आ जाएगा, ये वाला आप कर लेना। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें निकालना है, 11 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत सिंपल है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज एस वन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स एस टू, व्हाट इज द सेकेंड टर्म मीन्स ए टू, सिमिलरली फाइंड थर्ड द थर्ड द टेंथ एंड the nth term, इतनी चीजें और फाइंड करना, the sum of first n terms of AP, 4n minus n square, मतलब ये n, first n terms का sum means ये sn की value given है, n n AP, first n term का sum sn is equal to 4n minus n square, ठीक, what is the first term, इसकी first term निकालना है, that is s1, देखिए first term और s1 का मतलब होता है sum of फर्स्ट वन टर्म, केवल एक टर्म का सम, तो जो एक टर्म का सम रहेगा, जैसे कोई एपी लिखी हुई है आपकी, तो उसकी फर्स्ट टर्म यही वाली है और इसका सम भी यही हो जाएगा, जैसे 3 5 7 ऐसा लिखा हुआ, ये एपी लिखी हुई है, तो इसकी वन टर्म का सम कितना है, फर्स्ट टर्म ये 3, इसकी फर्स्ट टर्म भी, और फर्स्ट टर्म के सम को अपन 3 बोल सकते हैं, इसलिए उसने बोल दिया है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को ही एस वन बोल सकते हैं, और एस टू बोलेंगे व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म मीन्स एस टू निकालना है, तो एस एन गिवन है, एन इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो एस वन आ जाएगा, उसको ए बोल देंगे वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, फिर एन इज इक्वल टू 2 रख देंगे, एन इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है, वो निकालने के लिए बोला उसने, उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फिर आपको सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म आने के बाद में सिमिलरली फिर द थर्ड टर्म द टेंथ टर्म एंड nth टर्म सब निकाल लेंगे, तो देखो Sn is equal to 4n minus n square है, तो फर्स्ट टर्म के लिए n is equal to 1 पुट कर दो आप, पुट n is equal to 1, तो ये S1 हो जाएगा, 4 into 1 minus 1 square, इसको सिंपलीफाई करते हैं, which implies S1 is equal to 4 1 जा 4 minus 1 square 1, which implies S1 is equal to 4 minus 1 को 3, 4 माइनस 1 को 3, और S1 को ही अपन क्या बोल सकते हैं, इसी को अपन फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, इज इक्वल टू A1, और A1 को ही अपन A बोल सकते हैं, और इसी को अपन फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, इतना सारा जो सामान है ये सब फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, S1 सम ऑफ ओनली वन टर्म, उसको अपन A1 बोल सकते हैं, A1 को A बोल सकते हैं, A को फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, ये अपना एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया फर्स्ट टर्म, पूछा था उसने आपसे फर्स्ट टर्म S1, अब व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स के लिए इसी Sn में पुट n इज इक्वल टू 2 रख दो, पुट n इज इक्वल टू 2 इन Sn, तो आप बोलोगे कहां रखना है Sn में, ये जो Sn था 4n माइनस n स्क्वायर, S 2 n के प्लेस पे 2 रख दिए, इधर रख दो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 टू जा 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, ये आपका
सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ गया, एक आंसर आपका ये भी आ गया, एक आंसर ये आ गया था, एक आंसर आपका ये आ गया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब देखिए आगे क्या निकालना है अपने को, सम ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं, ए टू बोलते हैं। तो देखो ए टू यहीं से निकल जाएगा, एस टू क्या है, फर्स्ट टू टर्म का सम है, और फर्स्ट टू टर्म के सम को अपन क्या लिख सकते हैं, ए वन प्लस ए टू लिख सकते हैं। इसी को आगे सॉल्व कर देता हूं तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, ए वन प्लस ए टू, एस टू को लिख सकते हैं अपन इज इक्वल टू फोर ना। देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टू टर्म के सम को एस टू बोलते हैं। अब यहाँ पे ए वन की वैल्यू है अपने पास, ए वन इज इक्वल टू थ्री है, ये थ्री रख देते तो सेकेंड टर्म ए टू आ जाएगी। तो ए वन इज इक्वल टू थ्री प्लस ए टू इज इक्वल टू फोर, थ्री को शिफ्ट कर दो, ए टू इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री, तो ए टू इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री वन, और इसी को सेकेंड टर्म बोल सकते हैं आप। ये आंसर आ गया आपका सेकेंड टर्म, आ गया। उसके बाद सेकेंड टर्म आ गई, सिमिलरली द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इट्स थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड नाइन्थ टर्म। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए की और डी की जरूरत पड़ती, तो अपने पास में ए तो है, फर्स्ट टर्म तो है, डी नहीं है अपने पास, डी नहीं है, लेकिन अपने पास में ए टू भी है और ए वन भी है। तो ए टू माइनस ए वन से पहले डी निकाल लेते, फिर जो टर्म बोलेगा वो निकाल लेंगे। नाउ कॉमन डिफरेंस, ये पूछा नहीं है कॉमन डिफरेंस उसने, लेकिन अपने को निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है ये अब भी निकाले हमने, ए टू वन माइनस ए वन कितना है, ए वन भी निकाले हमने पहले, ए वन कितना निकला है, ये ए वन इज इक्वल टू थ्री, ए वन इज इक्वल टू थ्री, ये थ्री, तो डी आ गया वन माइनस थ्री माइनस टू। अब आपके पास में डी भी है और ए भी है, अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कौन सी टर्म निकालना है अब आपको, सिमिलरली करके सिमिलरली सेक थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड एंड टर्म। तो थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को ए थ्री बोलते हैं, और ए थ्री को लिख सकते हैं ए प्लस टू डी, वैल्यू रख दो इसमें ए प्लस टू डी। ए कितना है, ए बोले तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है थ्री, ये रही थ्री, और डी है माइनस टू, ये थ्री प्लस टू और डी की वैल्यू माइनस टू, थ्री टू टू जा माइनस फोर, तो थ्री माइनस फोर माइनस वन, ये आ गई आपकी थर्ड टर्म, ए थ्री का आंसर आ गया आपका, एक आंसर ये भी आ गया। थर्ड टर्म के बाद में टेंथ टर्म, टेंथ टर्म, टेंथ टर्म, टेंथ टर्म को बोलते हैं ए टेन, और ए टेन कैन बी रिटन ए प्लस नाइन डी, रख दो इसमें वैल्यू, ए आपके पास में है थ्री नाइन और डी आपके पास माइनस टू है, इसको सॉल्व करो, थ्री माइनस नाइन टू जाए एट्टीन, थ्री माइनस एट्टीन माइनस फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन, यह आ गया आपका ए टेन भी आ गया। अब क्या क्या बचा है, एक चीज और बची है, ये भी आपका आंसर आ गया, और एक है nth टर्म, एंड द nth टर्म, nth टर्म को ए एन बोलते हैं, एंड nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तब तो इसमें एन के प्लेस पे एन ही रहेगा, ये ए एन, ए आपका थ्री है, एन एन ही रहेगा, माइनस वन और डी माइनस टू है, सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, ए एन इज इक्वल टू थ्री माइनस टू का इंटू करो तो माइनस टू एन माइनस माइनस प्लस टू, विच एम्प्लाइज ए एन इज इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव माइनस टू एन, बस ये आंसर हो गया। ये सब चीज निकाल दी हमने, अब आप आंसर मैच करके देख लो इनके सब के। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स
डिविजिबल बाय सिक्स। क्या करना है हमको, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटी, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे उसमें सिक्स से कौन से डिविजिबल हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सिक्स के डिविजिबल फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं। क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय सिक्स आर, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय सिक्स आर। तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है जो सिक्स से डिवाइड हो जाता है, वो है सिक्स, फिर 12, फिर 18, ये तीन लिखे अपन ने और डॉट डॉट। अब 40 नंबर पे कौन सा आएगा, देखो फर्स्ट नंबर पे क्या आया, सिक्स में वन का, वन में सिक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो सिक्स फर्स्ट नंबर पे आया, ऐसे ही आप 40 में सिक्स का मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स फोर जा 24, तो 240 नंबर का आ जाएगा। ये 240 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो सिक्स का डिविजिबल है। तो अब देखो ये एपी का फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले लिस्ट को चेक करते हैं अपन, एपी में है ये, इसका सम फाइंड आउट करना है। D इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, इज इक्वल टू डॉट डॉट, व्हिच इंप्लाइज D इज इक्वल टू ए टू 12 माइनस ए वन, ए वन 6, ए थ्री 18 माइनस ए टू 12 इज इक्वल टू 3 डॉट्स, which implies D is equal to 12 minus 6, 6, 18 minus 12, 6. तो देखो common difference 6, 6 से equal आ रहा, clearly common difference 6 equal है, therefore this list of numbers is in AP, ये AP में, ये list AP में। अब जब ये AP में है तो इसका sum find कर सकते हैं अपन। तो A is equal to क्या हो गया यहाँ पर 6, D is equal to D भी 6, और ये 240 क्या दिख रहा, last term दिख रही 240। तो S आपको कैलकुलेट करना है, SN कैलकुलेट करना है। अब SN कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है ये नंबर तो अपने पास में आ गए, लेकिन ये कितने नंबर होंगे ऐसे जो 6 के डिविजिबल होंगे, N अपने को पहले निकालना पड़ेगा। तो N निकल जाएगा अपना L वाले फॉर्मूले से, सेंस L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L कितना है 240, A 6, n मिसिंग है और d है 6, इसको सॉल्व करके n निकाल लो, ये 240 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 इनटू n माइनस 1, 240 में से 6 माइनस कर लो 234, 10 माइनस 6 करेंगे 4, 234 और ये 6 से डिवाइड कर लो इसको इज इक्वल टू n माइनस 1, 6 से कैंसिल हो जाना चाहिए इसको, 6 3 जा 18, 5 बचेगा, 6 9 जा 54, 39 टाइम, तो 39 माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू एन, सो एन इज इक्वल टू आ गया आपका 40। आप एन की हेल्प से अपन एस एन निकाल सकते हैं, नाउ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, एल गिवन है तो एल वाला फॉर्मूला रख दो, सो एस 40 इधर रख देंगे, 40 ऐसे नहीं रहेंगे, 40 अपॉन 2, a कितना है 6, l है 2 2 4 और ये 0, तो ये हो गया 20 और ये 246 ना, 240 था वो, हाँ इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर लो 10, 26 जा 12, 24 जा 819 और 22 जा 4 4920। दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6, 4920 आंसर दिखाता हूँ मैं आपको,
4920 ये रहा आंसर। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स है उसका सम। मल्टीपल्स मतलब कोई नंबर अगर किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे 8 के मल्टीपल की बात हो रही है तो 8 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 8 का एक मल्टीपल हो गया। 16 जो है वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है 8 का, मतलब 8 के जितने भी डिविजिबल नंबर रहेंगे वो सब 8 के मल्टीपल होंगे। तो 8 डिवाइड हो जाता है 8 से तो 8 मल्टीपल हो गया। 16 डिवाइड हो जाता है 8 से 2 टाइम्स, ये भी मल्टीपल हो गया। 24 डिवाइड हो जाता है, ये भी मल्टीपल हो गया। तो अपन 3 लिखेंगे और एक लास्ट का 15 नंबर का मल्टीपल लिखते हैं। 15 8 जा 120, 120 भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा तो वो भी उसका मल्टीपल हो गया। तो 8 से लेके 120 तक के कितने मल्टीपल्स है 8 के, पहले अपने को n कैलकुलेट करना पड़ेगा और n आने के बाद में अपन डायरेक्ट सम का फॉर्मूला अपने पास में Sn is equal to n upon 2 a plus l वाला है ना। तो 8 के हम पहले मल्टीपल्स लिख लेते हैं और मैं आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 ऑल्सो। 0 जो है वो भी 8 का एक मल्टीपल है बिकॉज कि हम 0 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं 0 टाइम। तो 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है लेकिन अपन इसको यहाँ नहीं ले रहे, हायर क्लासेस के अंदर कभी जरूरत पड़ेगी आपको तो वहां पर 0 को 8 का मल्टीपल या किसी नंबर का मल्टीपल कंसीडर किया जाता है। तब आप ऐसा ना सोचे कि हम तो बचपन से यही पढ़ रहे हैं कि मल्टीपल जो है वो 8 16 ऐसे ही होंगे, 0 नहीं, 0 भी मल्टीपल होता है लेकिन यहाँ पर अपन पॉजिटिव मल्टीपल्स ले। और अपने को वैसा भी यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है ना, जब सम कैलकुलेट करना है अपने को तो सम में 0 को प्लस करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए वो 0 को लेते नहीं, पॉजिटिव मल्टीपल्स लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स ले लेता हूँ। पहले फर्स्ट 15 मल्टीपल्स 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स 8 हो गया, 16 हो गया, 24 और फिर 3 डॉट्स लगाता हूँ मैं और 15 नंबर पे कौन सा मल्टीपल आएगा, 15 8 जा 120, ये 120 ये नंबर्स है आपके, ये 8 के 15 मल्टीपल्स है। सो यहाँ पर अभी ये जो लिस्ट अपनी नंबर्स की बनी है ये एपी में है या नहीं है ये गिवन नहीं है, लेकिन दिख रहा है अपने को कि 8 8 का डिफरेंस है तो एपी में, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेंगे। पहले इस लिस्ट को एपी में चेक करते हैं। सेंस कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू डॉट डॉट थ्री डॉट्स, विच एम्प्लाइज d इज इक्वल टू ए टू 16 माइनस ए वन 8 इज इक्वल टू ए थ्री 24 माइनस ए टू 16 इज इक्वल टू थ्री डॉट्स, विच एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 16 माइनस 8 8 24 माइनस 16 8 थ्री डॉट्स। यहां देखो d आपका इक्वल आ गया, क्लियरली कॉमन डिफरेंस is equal, common difference जो है वो equal है, therefore this list of numbers is in arithmetic progression, therefore this list of numbers is in arithmetic progression। अब हमने prove कर ली कि ये arithmetic progression में, अब हम यहां से first term ले सकते हैं a इज इक्वल टू 8, ये 8 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d अपन ने अभी निकाले 8, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 15, 15 मल्टीपल्स बोला तो हमको s 15 कैलकुलेट करना है। s 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया s 15 के ऊपर। अब देखो हमको a भी गिवन है और d भी गिवन है और n भी है अपने पास में 15, तो एस एन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे थे डी के टर्म वाला। सिंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। सो पुट द वैल्यू एस एन इज इक्वल टू 15, 15 अपॉन टू
टू इंटू ए एट प्लस एन 15 माइनस वन एंड डी 8, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आंसर हो जाएगा 15 अपॉन टू, रहने तो ऐसे ही 2 इंटू, अभी करते हैं मल्टी, कॉमन निकाल दूंगा मैं, प्लस 15 माइनस वन 14 इंटू 8। मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल देता हूँ तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन अपना कम हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं 2 को कॉमन निकाल देता हूँ, ये मैंने 2 कॉमन निकाला यहाँ से, तो ये 15 अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन, यहाँ बच गया 8 प्लस 14 में से 2 निकाल लो तो 7 और ये 8। अभी सॉल्व कर देते हैं इसको सावधानी से थोड़ा, ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो, क्या बच रहा है, अब बच रहा है 15 इंटू 8 प्लस 7 8 जा 56, 15 इंटू 56 प्लस 8 8 6 14 5 1 6 64, 64 में 15 का मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 जा 60 0 6, 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 96, 960 इज द रिक्वायर्ड सम, 960 इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है इसका, और उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, इसके डेली लाइफ से बिलोंग कर रहे हैं, उसको अपन अभी छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है उसका सम फाइंड आउट करना है। सो 0 भी ऑड नंबर नहीं है, 0 भी इवन नंबर है बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2, और 50 भी ऑड नंबर नहीं है, ये भी इवन नंबर है क्योंकि विच इज डिविजिबल बाय 2। तो हमको 0 और 50 की तो बात ही नहीं करना है, इसके बीच के जो नंबर्स है और बीच में भी जो नंबर ऑड होंगे विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, उनका सम हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है उसके 3 स्टार्टिंग के लिख लेते हैं और एक लास्ट का लिख लेते हैं। सो द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 एंड 50 आर, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर 1, 1 पहला ऑड नंबर हो जाएगा जो 0 और 50 के बीच में, फिर 3, देन 5, बस ये 3 लिखा मैंने और 3 डॉट्स लगाया, और लास्ट वाला क्या होगा, 50 के पहले वाला 49 जो है वो आपका ऑड नंबर है। तो ये अपने पास में एक लिस्ट आ गई 1, 3, 5, ... 49। अभी ये लिस्ट एपी में है या नहीं अपने को चेक करना पड़ेगा, और अभी इसमें ये भी नहीं मालूम है कि एन कितना है, एन वैसे अपन बोल सकते हैं 50 है, 0 से 50, 0 और 50 के बीच में ये 25 ऑड नंबर होंगे, 25 इवन नंबर, लेकिन फिर भी अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 15 मल्टीपल्स उसने बोल दिया था क्वेश्चन में, इसलिए हमने एन 15, यहाँ पे हमको एन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो लिस्ट हमने प्रिपेयर की है, इस लिस्ट को हमको एपी में शो करना है, तो कॉमन डिफरेंस के थ्रू इसको बता देते हैं। सेंस डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू 3 डॉट्स, विच एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू ए टू 3 माइनस ए वन 1 इज इक्वल टू ए थ्री 5 माइनस ए टू 3 इज इक्वल टू 3 डॉट्स, सो विच एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 भी 2 इज इक्वल टू 3 डॉट्स। तो देखो कॉमन डिफरेंस इसका 2-2 आ गया, क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन एपी, देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स is in AP। अब जब ये AP में आ गई तो हम इसकी सारी टर्म्स लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म A is equal to 1, कॉमन डिफरेंस हमने अभी चेक किए D is equal to 2, और ये जो 49 आपको दिख रहा है ये लास्ट नंबर पे दिख रहा है तो मैं इसको L ले लेता हूँ, L is equal to 49, N कैलकुलेट करना अपने को और SN कैलकुलेट करना है,
सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करना है, इसका सम, तो एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो एस एन फाइंड करने के लिए अपने को एन की जरूरत पड़ेगी, अभी एन नहीं है अपने पास। फिर अपन एल गिवन है तो एन अपॉन टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दें। तो पहले यहाँ पर हम एल की हेल्प से एन निकाल लेते हैं। सिंस लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, विच एम्प्लाइज एल इज इक्वल टू 49, ए वन है प्लस एन मिसिंग है माइनस वन और डी है आपका टू, विच एम्प्लाइज 49 माइनस वन, वन को शिफ्ट कर लिए इधर, टू इंटू एन माइनस वन, 49 माइनस वन 48 हो जाएगा, और ये टू से डिवाइड कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, टू का इज इक्वल टू एन माइनस वन, टू टू जा फोर, टू फोर जा 24 टाइम्स, तो 24 माइनस वन को शिफ्ट कर लो प्लस वन, एन इज इक्वल टू 25, ये एन आ गया हमारे पास 25। अब जब एन 25 आ गया, हमारे पास, अब हम एस एन कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने पास में एल भी गिवन है। सिंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, डी वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन जब एल गिवन रहता है तो मैं डी वाला नहीं लगाता। मैंने बताया आपको कि पहला फॉर्मूला अपन यही प्रूव किए थे और ये छोटा भी है, विच एम्प्लाइज एस एन इज इक्वल टू 25, एन 25 अपॉन टू ए वन है और एल 49। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 25 अपॉन 2 इंटू 50 हो जाएगा, 49 प्लस 1 50, 2 से 50 को डिवाइड कर लो, 25 टाइम, अब 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो ये आपके 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है उसका सम है 625। 15 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये डे टू डे लाइफ से बिलोंग करता है एन टर्म्स के सम के लिए, इसलिए क्वेश्चन अपने को नहीं लेना है। 16 भी अपने सिलेबस से हटा दिया उसने, 17 भी हटा दिया, 18 भी हटा दिया, बड़े बड़े क्वेश्चन जो थे सब हटा दिया, 19 भी हटा दिया है और ये 20 भी हटा दिया, ठीक ये हट गए।